हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर बेटे, एक तो ये 8 मार्क्स का कंपलसरी आता है एक क्वेश्चन प्रोराटा के साथ, और सबसे ज्यादा डर बच्चे को इसी में होता है। तो ये डर क्यों होता है, कहां पे गड़बड़ हम करते हैं, और वो सारी बातें हम एक एक करके सीखते हैं, ठीक है, और समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। आओ जी, सुने ध्यान से। इशू ऑफ शेयर, देखो बेटे, सबसे पहले ये शेयर इशू कौन करता है, तो उसके लिए तो बेटे कंपनी चाहिए। अब ये कंपनी कौन सी होती है, तो देखो पब्लिक कंपनी भी शेयर इशू करती है, प्राइवेट भी इशू करती है, बट प्राइवेट कंपनी जो शेयर इशू करती है ना बेटे, वो अपने मेंबर में ही रखती हैं, और उसके मेंबर लिमिटेड होते हैं, वो पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते। तो हम यहां जब भी कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी जो वर्ड बोलूंगा ना, आपको ये अज्यूम करके चलना है, बताओ मैं किस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी बेटे, पब्लिक कंपनी, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, आपने 11th में पढ़ा था फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट आप किसका करते थे, ये देखो, ये मान लो एक पर्सन है जिनका बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर की, किसकी है, सोल प्रोप्राइटर, यानी वो बिजनेस जिसका मालिक एक है उसको क्या बोलोगे, सोल प्रोप्राइटर। तो इसमें तो सिर्फ इनका कैपिटल लगा था, तो आप एंट्री बना देते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई कष्ट नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अच्छा ये सारा पैसा डायरेक्ट बिजनेस में लगाते थे और बिजनेस मैन ने एंट्री पास कर दी, क्लियर है। अब यहां पे नंबर ऑफ ओनर बढ़ गए, 1 से 2, 3 हो गए, तो इसका नाम दे दिया हमने पार्टनरशिप। तो यहां बड़ा भी आसान है, यहां भी बहुत आसान है, क्या करना भाई, देखो इन्होंने जो पैसा लगाया, अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये लिख दिया। अब हुआ क्या कि हमें एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो हमें ढेर सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। अब ढेर सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हमें वो पैसा किससे लेना है, पब्लिक से। तो उस बिजनेस को करने के लिए हमें एक, ध्यान से देखना बेटे, उस बिजनेस को करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और उसका कुछ हम नाम रखते हैं, और फिर इसको इनकॉर्पोरेट कराते हैं कंपनी में। किस में कराते बेटे, कंपनी में। कौन सी कंपनी, ऐसे तो कंपनी देखो पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है, और ओपीसी भी होती है, 1% कंपनी, ठीक है। हम चर्चा किसकी करेंगे, पब्लिक कंपनी की। किसकी चर्चा करेंगे बेटे, पब्लिक कंपनी की। अब ध्यान से देखते जाना, तो जब भी मैं कंपनी की बात करूंगा, इसका मतलब कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। तो लो जी, ये एक्स लिमिटेड है, बोलो कौन सी कंपनी है ये, एक्स लिमिटेड। इसने यदि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो बताओ इस कंपनी में जो भी बिजनेस करना है, उस बिजनेस के हिसाब से यहां पे टोटल कैपिटल कितना होगा, ये जरा सोच के देखो। ये कंपनी ने पहले डिसाइड कर लिया होगा ना, क्यों, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना इनकॉर्पोरेशन कंपनी की कैसे होती है, तो वहां आपको बताया जाएगा कि देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। तो जब आप मेमोरेंडम बनाने जाओगे ना, तो वहां पे कई सारे क्लॉज होते हैं, जिसमें क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। अब वो कैपिटल क्लॉज में बेटे आपको सबसे पहले बताना होता है कि हमारी कैपिटल कंपनी की कितनी हो गई। तो चलो लेट सपोज कि कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि मेरा कैपिटल कितना होगा, 1 लाख। अब इस कंपनी में ढेर सारे मेंबर होंगे, क्योंकि इसमें कंपनी में पैसा, ध्यान से सुनना, पैसा किससे लेना बेटे, पब्लिक से, आम जनता से। तो पब्लिक से ये कंपनी पैसा कैसे लेगी, क्या कहेगी, अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर एक सिस्टम मैकेनिज्म बनाना चाहिए, हां जी। तो ध्यान से सुनना बेटे, ये जो 1 लाख का कैपिटल है इस कंपनी का,
इस कैपिटल को एक स्मॉल डिनोमिनेटर से फ्रैक्ट कर दिया जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हो बेटे? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। और जैसे ये डिवीजन करते हो तो जो रिजल्ट आता है बेटे, इसका नाम है शेयर। क्या नाम है? शेयर। अब इस शेयर को जैसे ही आप इस 10 रुपए से फिर से मल्टीप्लाई करते हो तो अब जो आता है बेटे, इसका नाम हो जाता है शेयर कैपिटल। यानी पहले जो कैपिटल था, अब उसको हमने क्या किया, एक स्मॉल डिनोमिनेटर से फ्रैक्ट किया। फ्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या कहलाया बेटे? शेयर। और ये जो शेयर है, अब इस फेस वैल्यू से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये कैपिटल बन के नहीं आएगा, वो क्या बन के आएगा बेटे? शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब जो हमारा जो शेयर होता है बेटे, ये शेयर दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर। आराम से सुनना, जो ये प्रेफरेंस शेयर होता है कहता है कि वो शेयर प्रेफरेंस शेयर कहलाता है, दो शेयर विच हैव प्रेफरेंशियल राइट। Which have preferential right. अब ध्यान से देखना, किस बात का preferential right भाई? पहला, to receive dividend at fixed rate. कहता है कि यदि कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वो भी किस रेट से? फिक्स रेट से। इसी वजह से बेटे आप देखोगे तो जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो इस तरह से लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर। ये 10% क्या है? वही रेट ऑफ डिविडेंड है जिससे इसको मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा? कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। यदि कंपनी आज ही बंद हो जाए तो सबसे पहले कैपिटल किसको मिलेगा? इक्विटी को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा बेटे? प्रेफरेंस को। अब ये जो दो अधिकार जिसके पास है वो कौन है बेटे? प्रेफरेंस। तो फिर इक्विटी कौन है? कहता है इक्विटी वो है जो प्रेफरेंस नहीं है, यानी दो शेयर विच आर नॉट इक्विटी शेयर। वो शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है उनको क्या बोलेंगे बेटे? इक्विटी शेयर। ये तो ही बात शेयर की। सर आपने जो शेयर कैपिटल बताया था, क्या बताया था बेटे? शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल में भी सबसे पहले होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या होता है बेटे? ऑथराइज्ड कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल है? कहता है देखो सर, इसको ना हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। आराम से सुनना, कौन सा कैपिटल कहेंगे? रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। कौन से कैपिटल कहते हैं? नॉमिनल कैपिटल। और ऑथराइज भी कहते हैं। सर ये होता क्या है? कहता है इट इज मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी विच आर issued to public and written in MOA। ध्यान से सुनना, यानी कैपिटल कितना होगा कंपनी का वो कंपनी पहले डिसाइड कर लेती है कि मेरी पूरी जीवन काल में मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है। तो जो मैक्सिमम कैपिटल होगा
उस कैपिटल को, जो मैक्सिमम कैपिटल होगा उस मैक्सिमम कैपिटल को कहां लिखा जाता है बेटे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसलिए इसका नाम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहलाता है, ठीक है, और ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहलाता है, यानी कंपनी इतना ही शेयर इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है, इससे ज्यादा शेयर नहीं करेगी। यदि करना चाहती है तो फिर इसको अपना मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, तभी जाके ये आगे ऐसा काम कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर सकती। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर, ये क्या कहलाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद बेटे आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक में इशू होता है, यानी कंपनी जो पब्लिक में शेयर इशू करती है, जो इशू करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? इशूड कैपिटल। यानी कंपनी के पास टोटल शेयर ऑथराइज्ड है कितना बेटे? 1,00,000। तो वो चाहे तो सारा इशू कर दे, वो चाहे तो इसमें से कोई पार्ट इशू कर दे, वो उसकी अपनी ओन डिस्क्रिप्शन है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आराम से सुनना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इस इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी को पब्लिक एप्लीकेशन के रूप में देती है। यानी इसको ऐसे समझो, कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू किया पब्लिक को, जो इंटरेस्टेड पब्लिक है जो कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं, तो वो जितना एप्लीकेशन कंपनी के पास देंगे बेटे, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ उसको कंपनी बोलती है कि ये मेरा शेयर क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड हो गया। क्लियर है? इस सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इस शेयर को अलॉट करती है। क्या करती है? अलॉट। तो अलॉट करने के बाद वो फिर से दोबारा उनसे पैसे मांगती है, जिसको हम जितना वो पैसे मांग ले उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटे? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा है, या तो वो सारा हो सकता है या उसमें से कम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, मैं बताऊंगा कब डिपेंड करेगा। तो कहता है कि वो पैसा जो कंपनी ने अपने मेंबर से मांगा, कॉल किया कि आपको अब मुझे ये पैसा देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं बेटे कॉल्ड अप कैपिटल। कोई कष्ट है? नहीं सर। और लास्ट होता है बेटे पेड अप कैपिटल। क्या होता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कॉल्ड अप कैपिटल में का, कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी को पैसा रिसीव हो गया, यानी जो शेयर होल्डर ने उसको पैसा दे दिया। जैसे कंपनी ने मान लो 1,00,000 शेयर का पैसा मांगा 2 रुपए के रेट से, 2,00,000 रुपए, लेकिन 99,000 शेयर होल्डर ने ही पैसे दिए, बाकी ने नहीं दिए, तो जो रिसीव हो गया उसी को बोलते हैं बेटे पेड अप कैपिटल। क्लियर है? एक इसमें और कॉन्सेप्ट आता है बेटे, रिजर्व कैपिटल। कौन सा कैपिटल? रिजर्व कैपिटल। बेटे ये बार बार ध्यान से देखना, ये एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर है, तो सुनना ध्यान से। कहते हैं रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो पोर्शन जो पब्लिक में इशू नहीं होता और वो रख लिया जाता है। और ये कब मांगा जाता है? यदि कंपनी को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, तभी। इसके लिए वो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास वगैरह करके, मतलब जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके, और तब अपने पास रख लेती है। तो ये तो है रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व बेसिकली बेटे क्या है? ये कैपिटल प्रॉफिट है, जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए ये ना आपके बुक में दिया है, आप आराम से रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बारे में डिफरेंसेस एक बार रीड आउट कर लेना, ये 4 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक, चलो। तो आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल याद हो गया, एक बार बोलो, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। क्लियर है? ये 5 है सर। इन 5 कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, आराम से देखना। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, यहां लिखते हो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, फिर लिखते हो शेयर होल्डर फंड, बोलो, और फिर यहां आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने नोट 1 होता है, और नोट 1 को आप इस तरह से दिखाते हो। बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑथराइज्ड कैपिटल।
क्या लिखते हो बेटे? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में नंबर ऑफ इक्विटी आपके पास कितना है, नंबर ऑफ परसेंटेज प्रिफरेंस आपके पास कितना है, इसकी फेस वैल्यू क्या है, इसकी फेस वैल्यू क्या है, दोनों को लिखोगे मल्टीप्लाई करके और ये जो आएगा यहां दो लाइन खींच दोगे। ये देखो ये नॉमिनल कैपिटल क्यों है, क्योंकि इसकी जो शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट होगा ना, इसमें इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ये सिर्फ ऐसे ही दादाजी की तरह लटकते रहेंगे ऊपर, इनका कोई वजूद नहीं है, बस ये दिखाना है इस वर्किंग में और कुछ नहीं है। इसके सामने इनका टोटल नहीं आएगा। फिर इसके बाद सेम पैटर्न बताओ बेटे, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में भी जो आपने शेयर इशू किया, अब हो सकता है आपने इक्विटी इशू किया तो कितना किया वो देख लो, किस रेट से किया, इसको भी इस तरह से दिखा दो। इसके बाद आता है बेटे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, हम इसको एक साथ ही लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप। तो जितना शेयर आपके पास पब्लिक ने दिया, ठीक है, उतना आप क्या करते हो, अलॉट करते हो अपनी अकॉर्डिंग, जो भी आपका लॉ है वो मैं बताऊंगा आगे। शेयर अलॉट होता है, अलॉट होने के बाद हम पैसे मांगते हैं। तो ध्यान से देखना, जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपने कॉल्ड किया उसका अब तक जो भी रेट है, हो सकता है मैक्सिमम 10 होगा, हो सकता है 8 तक मांगा, 6 तक मांगा, जो भी मांगा वो आपने यहां लिख लिया। इसमें से जो आपको नहीं मिला उसको बोलते हैं बेटे कॉल सिनेरियर, वो यहां से माइनस कर देते हो। क्लियर है? आराम से देखना, इसमें से कॉल सिनेरियर माइनस कर देते हो। और यदि कॉल सिनेरियर होता तो आगे हम शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, तो बेटे आप जो शेयर फॉरफिट किए हो वो यहां प्लस कर देते हो। फिर इनका जो टोटल आता है वो टोटल यहां इनके सामने लिख देते हो, आराम से देख लो। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन बस इतनी होती है, ये कॉल सिनेरियर, शेयर फॉरफिटेड, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये अभी हम चेक करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? तो शेयर क्या होता है ये समझ में आया, शेयर कैपिटल क्या होता है ये समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये शेयर इशू कैसे होता है। तो ध्यान से देखना बेटे, ये कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है, ये पब्लिक में शेयर इशू करेंगी, आराम से देखना, ये पब्लिक में शेयर इशू करेंगी। अब इसमें कुछ लॉ की बातें हैं कि भैया इशू करती हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट इशू करती हैं उसके लिए, तो ये प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं और प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक में शेयर इशू होता है, यानी पब्लिक के पास प्रोस्पेक्टस आता है। जो इंटरेस्टेड पब्लिक होता है, ध्यान से देखना, जो इंटरेस्टेड पब्लिक होता है वो पब्लिक इनको क्या देता है बेटे, एप्लीकेशन, कि मुझे आपका शेयर चाहिए, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को ये लोग कहते हैं कि मेरा शेयर क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया, क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड। तो ये जो सब्सक्रिप्शन होता है, जो शेयर सब्सक्राइब्ड होता है बेटे, इसमें तीन वैरायटी होती है, कितनी, तीन, या तो ध्यान से सुनना, अंडर सब्सक्राइब्ड होगा, या फिर फुल्ली सब्सक्राइब्ड होगा, या फिर ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। अंडर सब्सक्राइब्ड का मतलब कि कंपनी ने पब्लिक में शेयर इशू किया 10,000, 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच या 100 ईच, जो भी रेट हो, ठीक है, ध्यान से देखना, इतना शेयर इसने पब्लिक में इशू किया, लेकिन सब्सक्राइब्ड हुआ कितना, पब्लिक ने कितना दिया, पब्लिक ने दिया भाई 8,000 शेयर, सॉरी कितना, 8,000 शेयर, या फिर 10,000 शेयर, या फिर 15,000 शेयर। यदि पब्लिक ने 10,000 से कम शेयर दिया तो वो अंडर सब्सक्राइब्ड है, और 10,000 दिया तो पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड है, और 10,000 से ज्यादा दिया तो ओवर सब्सक्राइब्ड है। क्लियर है? अब ध्यान सुनना, एक लॉ कहता है कि किसी भी हाल में कंपनी ने जितना शेयर इशू किया उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती, यानी कंपनी ने शेयर इशू कितना किया बेटे, 10, एप्लीकेशन कितना आया 15, तो अलॉटमेंट कितना होगा 10, इशू कितना किया 10, एप्लीकेशन कितना आया 10, अलॉट भी कितना होगा 10। यहां देखो ध्यान से, 10 हुआ, एप्लीकेशन कितना आया 8, तो कहता है कि पहले यहां चेक करो कि क्या आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई है,
आप ये चेक करो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आई है, यानी यहां पे कंपनी के सामने एक लॉ का मुकाबला करना पड़ता है उसको, और लॉ कहता है कि भाई आपने जो शेयर इशू किया ना उसका 90% एटलीस्ट, कितना बेटे 90% पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब कर रखा होगा, यानी 10,000 शेयर इशू किया तो कम से कम 9,000 शेयर का एप्लीकेशन आपके पास आ जाना चाहिए। यदि ये 9,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया यस, या फिर नहीं आया नो, अब चेक करो इस केस में क्या आया है, नहीं। यदि आ जाता तो क्या करते, शेयर अलॉट करते, कितना 9,000 ही। यदि इससे कम हुआ तो कहता है शेयर अलॉट नहीं होगा, ये तो भूल जाओ, शेयर अलॉट नहीं होगा। तो जो एप्लीकेशन आया वो क्या करें, कहता है इसको रिफंड कर दो। किसको भाई, पब्लिक को, जिससे लिया था उसको रिफंड कर दो। नहीं रिफंड किया तो क्या कर लोगे, नहीं रिफंड किया तो क्या कर लोगे भैया, फिर तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो लॉ में प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग आपसे लॉ डील कर लेगा। क्लियर है, तो ध्यान से देख लो, या तो आपने जो शेयर इशू किया, सुना ध्यान से, अब आपने जो शेयर इशू किया तो एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन आएगा तो उसका नाम क्या बेटे, सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्रिप्शन तीन तरह का होगा, या तो अंडर होगा, या तो फुली होगा, या फिर ओवर होगा। किसी भी केस में जितना इशू किया उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते, उससे कम अलॉट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो गया तो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना हुआ तो रिफंड कर देंगे, पैसा नहीं रखेंगे, यानी एक बार पैसा आया और दूसरी बार उसको वापस कर देंगे। नहीं किया तो फिर आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। बोलो यहां तक कोई कष्ट है, नहीं है। अब बेटे ध्यान से सुनना, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, ठीक है, ये कंपनी है, इसने शेयर इशू किया, आराम से समझते जाना बेटे, इसने कंपनी ने शेयर इशू किया, बोलो हां, ठीक है। अब ये जो पब्लिक है, इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, इन्होंने शेयर को अलॉट कर दिया, क्या कर दिया बेटे, अलॉट। तो जब कंपनी शेयर को अलॉट करती है ना, तो कंपनी के पास एक मेंबर ऑफ रजिस्टर होता है जिसमें वो सारे शेयर होल्डर के नाम लिख देती है, ठीक है। तो कंपनी के पास इस बात का एविडेंस है कि इस बंदे ने इतने इतने शेयर लिए हैं, जिनके पास ये शेयर है, क्लियर है, ठीक है। अब ये कंपनी इन सारे शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट देती है, जब इनके शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं ना, तो इनको शेयर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, वो इस बात का सबूत होता है इनके पास कि हाँ इस कंपनी का मेरे पास शेयर है और मैं ही वो बंदा हूं, क्लियर है। क्यों, क्योंकि बाद में कंपनी इनको बोनस इशू करे, इनको डिविडेंड दे, इनको जो भी इनके पास ओनर वाला अधिकार होगा वो अधिकार यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे भाई, जो आपके पास शेयर है उसी का, उसी के बेस पे, क्लियर है। चलो अब मुद्दा ये है कि सर हमने शेयर इशू का प्रोसेस समझ लिया, यहां तक तो क्लियर है, शेयर इशू कैसे होता है, कंपनी क्या करती है, समझ लिया। हाँ सर, बट हम इसलिए थोड़ी आए हैं, हम तो क्या करना है, हमें अकाउंटिंग, आओ जी हमें सीखना है मुंशीगिरी। तो पहले यह समझो कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो ये जो इशू होता है बेटे, ये इशू कैसे करती होगी, यानी शेयर इशू करने के तरीके क्या है। तो ध्यान से देखना बेटे ये चार्ट, इशू ऑफ शेयर बेटे, ये दो तरह से होगा, कितने तरह से होगा, दो तरह से। पहला, या तो इशू होगा विथ कैश, विथ कैश, या तो फिर अदर देन कैश। यदि विथ कैश हुआ तो यहां दो बातें होंगी, या तो मैं सारा पैसा एक ही बार में मांग लूंगा, जिसको हम बोलते हैं बेटे लमसम, या फिर ध्यान से सुनना, सारा पैसा एक बार में मांग लूंगा, या फिर जैसे मेरी मर्जी होगी, यानी जैसे मेरी जरूरत होगी वैसे मांगूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। सर अदर देन कैश में क्या होता है, या तो कंपनी शेयर जो इशू करती है वो पैसे नहीं लेती, क्या ले लेती है, एसेट परचेज करती है और बदले में शेयर दे देती है,
या फिर बिजनेस परचेज करती है और बदले में क्या दे देती है बेटे, शेयर। कहता है कि सर ये चार तरीके से शेयर इशू होता है और जो भी तरीका हो इशू करने का, इनका जो मोड होता है बेटे वो मोड दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं एट पार और दूसरे को बोलते हैं एट प्रीमियम। जो प्रीमियम होता है इसका मतलब होता है मोर देन फेस वैल्यू। क्या मतलब होता है बेटे, मोर देन फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू यदि क्वेश्चन में दिया है कि एक शेयर का फेस वैल्यू कितना, तो आप उतना मान लो, नहीं दिया है तो हमेशा 10 मानोगे इक्विटी के केस में, और प्रेफरेंस के केस में 100 और डिवेंचर के केस में 100 मानते हैं। एट पार का मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू, यानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया 10 रुपए के रेट से, तो इसका मतलब कैसे इशू किया, पार पे। कंपनी ने शेयर इशू किया 10,000 के शेयर इशू किया 10 रुपए के रेट से 20% प्रीमियम पे, इसका मतलब इस फेस वैल्यू का 20% कितना होगा, 2 रुपए, यानी 10 का माल कितने में बिका है, 12 में। कितने में, 12 में। तो ध्यान से देखना, या तो पार पे जाओगे इशू करोगे या फिर प्रीमियम पे। अब बेटे इस केस से देखो तो विथ कैश में लमसम में भी 2 केस होंगे, इंस्टॉलमेंट में भी 2 केस होंगे, एसेट परचेज में भी 2 केस और इसमें भी 2 केस, तो इशू के टोटल 8 केस बनते हैं। कितने बनते हैं, 8। आओ हम चेक करते हैं वो 8 केसेस की एंट्रीज कैसे होंगी। अब ध्यान से सुनना, अब यदि मैं इशू कर रहा हूं शेयर लमसम पे, तो या तो मैं पार पे करूंगा या मैं प्रीमियम पे करूंगा। अब आप कॉन्सेप्ट बताओ, सबसे पहले क्या होगा, कंपनी शेयर इशू करेगी, तो कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कोई एंट्री नहीं होगा। कंपनी के यहां एंट्री का जन्म कब होगा, जब सब्सक्राइबर यानी जो शेयर होल्डर हैं, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर आप उनको बोल सकते हो, क्योंकि अभी शेयर होल्डर तो बने नहीं है, तो जो पब्लिक है जब इनको क्या दे देगी बेटे, सब्सक्रिप्शन यानी एप्लीकेशन। तो ध्यान से देखना बेटे, एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी पहली बार पब्लिक से पैसा आया, तो पैसा आया तो ये एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर व्हेन शेयर अलॉटेड, इसके बाद कंपनी क्या करेगी, सारा का सारा शेयर अलॉट कर देगी। जब अलॉट करेगी तो क्या लिखेगी बेटे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां ये अज्यूम करोगे कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है, ये सारे अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं वो क्या है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, यानी कंपनी ने सर इस केस में 10,000 शेयर इशू किए एट द रेट 10 ईच, और सारा शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया, ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, और सारा पैसा भी मिल गया, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और सारा पैसा कहां मिल गया बेटे, एप्लीकेशन पे ही। तो इस केस में क्या होगा, सर मैंने 10,000 शेयर इशू किया था और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बेटे, 10, तो हमें कितना पैसे मिलेंगे, 1,00,000, और कैपिटल में भी कितना जाएंगे, 1,00,000। सर इसमें और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या अंतर है, वहां भी बिजनेस जब स्टार्ट करते थे तो वो एंट्री क्या डालता था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहां कैश नहीं आता, चेक से आता है, इसलिए बैंक टू कैपिटल। अब देखो ध्यान से, यहां था कैश टू कैपिटल, बचपन में ही सीखा था ना कैश टू कैपिटल, यहां भी कैश टू कैपिटल ही है। देखो ध्यान से नाम क्या चेंज हुआ, ये शेयर एप्लीकेशन, ये शेयर एप्लीकेशन आपस में कैंसिल, तो क्या बचा, कैश के जगह पे पैसा चेक से आया, तो इसलिए बैंक, बैंक टू कैपिटल, क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू किया तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, शेयर कैपिटल। आराम से देख लो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यदि एप्लीकेशन रिसीव हुआ प्रीमियम पे शेयर मंगाता तो क्या होता, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड होता, तो जरा सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बेटे यहां मेरे पास 10,000 शेयर तो है, बट एप्लीकेशन
पे प्रीमियम के साथ पैसा मिलता ना, तो यहां पैसे कितने मिलते? 1,20,000, 1,20,000। अब जब मैं इसको ट्रांसफर करता, जब शेयर अलॉट करते, तो ये कैसे लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,000, 1,00,000 और 20,000, यानी 10,000 × 10, और जो एक्सेस पैसे है वो 10,000 × 2। सर ये एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग क्यों कर दिया? अब ध्यान से देखना बेटे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग करने के पीछे का लॉजिक क्या है ये समझना। आराम से देखना बेटे, ये है पूरा हेड सिक्योरिटी प्रीमियम का। पहले समझो सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या कहता है, कि यदि कोई शेयर आपने मोर देन फेस वैल्यू में, कैसे बेटे, मोर देन फेस वैल्यू में यदि आपने कोई शेयर इशू किया तो उसको क्या बोलेंगे, कि ये शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हुआ है। क्लियर है? कहता है कंपनी कैन इशू इट शेयर एट सिक्योरिटी प्रीमियम एज इट्स डिजायर। इसका मतलब एक कंपनी प्रीमियम कितना ले सकती है, तो जितनी उसकी मर्जी उतनी, यहां पे कोई भी लिमिट नहीं है। यदि क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो कि प्रीमियम किस पे रिसीव होता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि प्रीमियम किस पे रिसीव हुआ, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या किस पे, तो यदि दिया है तो ठीक, नहीं तो क्या मानोगे, अलॉटमेंट पे। ए कंपनी कैन डिमांड प्रीमियम अमाउंट ऑफ एनी कॉल्स और ऑल कॉल्स। जो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा डिमांड करेगी वो किस पे मांगेगी? क्या सिर्फ एप्लीकेशन पे, या किसी भी कॉल पे, या ऑल कॉल पे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन यदि नहीं पता कि किस कॉल पे मांगा, तो मानते हैं कि अलॉटमेंट पे मांगेगी। सर इसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। क्योंकि शेयर इशू किया वो आपका नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, आपने इशू किया उस पर आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया, इसलिए वो आपके लिए क्या कहलाता है? कैपिटल प्रॉफिट। और यदि ये कैपिटल प्रॉफिट है तो इसको, क्योंकि शेयर इशू किया था, एक्स्ट्रा पैसा मांगा गया, इसलिए कंपनी लॉ ने कहा कि आप इसको अलग SPR में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये आपके मेहनत के पैसे नहीं है, ये आपके शेयर पे एक्स्ट्रा पैसे कमाए हुए हैं। क्लियर है? अब कहता है ये दिखाएंगे कहां, तो कहता है कि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी शेयर होल्डर फंड होता है बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल हेड पहला, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में SPR आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे, एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा आ गया तो वहां पर सेक्शन 52 अट्रैक्ट हो जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 का। वो कहता है कि इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को आप कहां कहां यूज कर सकते हो। ये किसकी बात करता है? यूज की, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम जब आया तो क्या हुआ था बेटे? क्रेडिट। तो ये कहता है कब कब डेबिट होगा ये बता दो। समझ में आई बात? तो कहता है कि यदि आपने कोई अन इशूड शेयर को इशू कर रहे हो मेंबर पे, वो भी फुली पेड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बोनस शेयर इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटे? बोनस शेयर, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आप अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो। यदि आप कोई अपने एक्सपेंसेस, कमीशन या डिस्काउंट को राइट ऑफ करना चाहते हो, जो शेयर इशू करते वक्त किया था या डिवेंचर इशू करते वक्त किया था, तो आप वहां भी यूज कर सकते हो। यदि आप अपने प्रिफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो या डिवेंचर को रिडीम कर रहे हो और उस पे आप एक्स्ट्रा पैसा देना चाहते हो, यानी प्रीमियम देना चाहते हो रिडेम्पशन पे, तो वहां यूज कर सकते हो। या फिर आप अपना शेयर इशू बायबैक करना चाहते हो तो वहां इशू कर सकते हो। आराम से देखना, एक तो बायबैक के केस में आप प्रीमियम यूज कर सकते हो। तो बेटे ये देख लो ध्यान से, टोटल 5 जगह यूज हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं। बताओ, पहला, या तो आप फुली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हो, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे हो, या फिर कमीशन या कोई अदर एक्सपेंसेस या डिस्काउंट राइट ऑफ करते हो। क्लियर है? या फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
और प्रिफरेंस शेयर या डिवेंचर वहां पैसा यूज करना चाहते हो या फिर बायबैक पे, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर सकते हो। सर क्या डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू कर सकती है? बेटा नहीं। नहीं सर, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कहता है कि यदि आपने फेस वैल्यू से कम पे, यानी ये मेरा फेस वैल्यू है बोलो, तो कहता है लेस देन फेस वैल्यू यदि आपने कोई शेयर इशू किया तो हम मानते हैं कि डिस्काउंट पे किया। तो कहता है कि यदि आप ध्यान से देख लो बेटे, यदि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू करना चाहते हो तो अब पुराने जमाने में तो ये था, बट अब बेटे सेक्शन 53 कहता है कि कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट ये दो केसेस हैं, या तो स्वेट इक्विटी शेयर या फिर ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो ध्यान से, स्वेट इक्विटी शेयर में क्या होता है बेटे कि कंपनी अपने एम्प्लॉई को शेयर देती है उनके मेहनत की वजह से, प्रमोटर्स को भी शेयर देती है उनके मेहनत की वजह से, तो बेटे इनको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट मतलब होता है पसीने, तो बेटे इनके वजह से, मेहनत की वजह से जो शेयर आप देते हो तो उस केस में आप डिस्काउंट, यदि मतलब क्या होता है उनको थोड़ा सा कम रेट पे दिया जाता है अपने एम्प्लॉय को, तो उस केस में या तो स्वेट इक्विटी या फिर ईसॉप, इसमें भी इंप्लॉय को ही शेयर देते हैं, तो कहता है इन केसेस में आप डिस्काउंट दे सकते हो, बाकी नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड नहीं है। यहां तक कोई कष्ट है? नो सर। अब ध्यान से सुनना, तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसीलिए बेटे हम प्रीमियम को अलग दिखाते हैं, सेपरेट दिखाते हैं। चलो अब बात करते हैं लमसम के केस हो गए इंस्टॉलमेंट। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? इंस्टॉलमेंट। ये क्या होता है जरा समझना। कहता सर देखो कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? बोलो ना सर, 10 रुपए। तो हमारी मर्जी कि हम 10 रुपए एक ही बार में मंगा ले, जिसको हमने क्या नाम दिया था? लमसम। मेरी मर्जी, मैं इसको एक बार में नहीं मंगाऊंगा, एक बार में नहीं मंगाऊंगा, मैं क्या करूंगा जैसे मेरी जरूरत पड़ेगी वैसे मंगाऊंगा। तो कहता है मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हो? तो ध्यान से देखना बेटे, मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट 5 हो सकता है। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरे का नाम अलॉटमेंट, तीसरे को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल और फिर फाइनल कॉल। आराम से देखना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, क्लियर है? अब ये सारे जो कॉल है यदि मैंने पार पे इशू किया तो ये किसी भी हाल में 10 से बराबर नहीं होना चाहिए। चेक कर लो, 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10। हाँ, यदि आपने प्रीमियम पे इशू किया तो जिस कॉल पे प्रीमियम मांगोगे वो इन एडिशन टू दिस हो जाएगा, यानी 12 रुपए प्रीमियम मांगा और कुछ नहीं दिया तो अलॉटमेंट पे 2 रुपए जोड़ दिया। तो देखो ध्यान से, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों मिलाकर टोटल 12 होना चाहिए। पहले ये ध्यान से देख लो, इसी से आपका बेस बनेगा। यानी फेस वैल्यू 10 है, यदि पार पे इशू हुआ तो 2 ये नहीं रहेगा और बाकी सब रहेंगे बोलो, तो ये टोटल 10 होना चाहिए। और यदि प्रीमियम है तो 10 प्लस जितना प्रीमियम है वो उतने से एक्स्ट्रा होना चाहिए, या तो पार पे है और यदि प्रीमियम पे है तो कितना होगा बेटे? 12। क्लियर है? हाँ सर। अब मुद्दा ये है कि सर इस केस में एंट्री कैसे पास करेंगे अपन, आओ चेक करते हैं। यहां दो बातें होंगी, या तो पार पे इशू करोगे या फिर प्रीमियम पे। बेटे हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी, ठीक, लेकिन पहले और उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट की एंट्री में थोड़ी सी ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। ध्यान से देखना, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले क्या आएगा बेटे? एप्लीकेशन। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल बीच में ड्रॉ कर देता हूं। ये एग्जांपल क्या है कि कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने 10,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच। एप्लीकेशन पे इसने 2 रुपए मांगा, अलॉटमेंट पे इसने 3 रुपए मांगा और फर्स्ट कॉल पे इसने
अगेन 2 रुपये मांगा और मैं एक बार ले देता हूँ फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल की एंट्री वैसी होती जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 रुपये। ये इसका रेट है। यदि प्रीमियम पे क्वेश्चंस करूंगा तो कैसे करूंगा, और पार पे क्वेश्चंस करूंगा तो कैसे करूंगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। सेम कहानी ये है, देखो ध्यान से, अभी इस केस में हमने प्रीमियम ऐड नहीं किया तो ये मानोगे पार पे, तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी ने शेयर इशू किया, बोलो हाँ, और मानोगे कि जितना इशू किया, 10,000 इशू किया ना, उतने का एप्लीकेशन रिसीव हो गया, उतने का ही एप्लीकेशन रिसीव हो गया, तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, When application received, आराम से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बताओ क्या होगा, 10,000 शेयर है और एप्लीकेशन का रेट कितना है बेटे, 2 रुपए, तो पब्लिक ने पैसे कितने दिए होंगे, 20,000, कितने दिए होंगे, 20,000। फिर इस शेयर को हम क्या करते हैं बेटे, अलॉट, क्या करते हैं, अलॉट, तो एंट्री क्या बनाओगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब व्हेन अलॉटमेंट ड्यू, अच्छा सर ये जो पैसा आएगा सेम यही 20,000 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि जितना मांगा था उतना एप्लीकेशन में आ गया। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी, यानी अब क्योंकि सामने वाला जो पब्लिक था, अनजान था, अब मेरा मेंबर बन गया, तो अब मुझे पता है कि हाँ ये मेरा शेयर होल्डर है, इसी से मुझे पैसे मांगने हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे पैसा डिमांड करेंगे। तो जैसे ही डिमांड करेंगे तो एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने का बेटे, नंबर ऑफ शेयर 10,000, और इस बार अलॉटमेंट का रेट क्या है, 3, तो 10,000 इंटू 3 बताओ कितने पैसे मांगेंगे, 30,000। तो पैसा अलॉटमेंट जब आपको रिसीव होगा, व्हेन अलॉटमेंट रिसीव्ड, तो आपको पैसे कितने मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, भाई 30,000 मांगा था तो 30,000 ही मिलेंगे, ठीक है। अब व्हेन फर्स्ट कॉल ड्यू, अब आप अलॉटमेंट मिल गया तो कुछ दिन के बाद आप फर्स्ट कॉल मांगोगे, तो जब फर्स्ट कॉल मांगोगे तो उसकी एंट्री क्या बनाओगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है बेटे। फिर क्या होगा सर, सर फर्स्ट कॉल रिसीव हो जाएगा, व्हेन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, तो जितना मांगा था वो रिसीव हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना बेटे मांगा था, 20,000। फिर क्या होगा, व्हेन फाइनल कॉल ड्यू, तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 30,000, और फिर व्हेन फाइनल कॉल रिसीव्ड, जिस दिन रिसीव्ड होगा बताओ क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। पहले तो आपको ये एंट्री आनी पड़ेगी, ये याद करनी पड़ेगी, एंट्री याद नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे, 30,000। अब यहां चेक करना, यहां पे अच्छा फर्स्ट कॉल की रेट 20,000 थी, तो यहां 20,000 हमने मांग लिया था, फिर वो पैसा रिसीव हो गया था, फाइनल कॉल की एंट्री 3 थी तो 3 रुपए मांग लिया। अब देख लो ध्यान से, पार के केस में ऐसी एंट्री चलती जाएगी। सर इतनी एंट्री याद कैसे करनी है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना, कहता है जब जब पैसा मिलेगा, रिसीव होगा, बैंक डेबिट होगा, आराम से सुनना, पहले तो समझ लो कि एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होगी, 2, अलॉटमेंट की कितनी एंट्री होगी, 2, फर्स्ट कॉल की कितनी एंट्री होगी, 2, सेकंड कॉल की कितनी, 2, फाइनल कॉल की कितनी, 2, यानी हर कॉल की 2 एंट्री होगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। पहली एंट्री जो होगी एप्लीकेशन की होगी, तो उसमें सबसे पहला रिसीव होगा पैसा, तो पहले पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो एप्लीकेशन का नाम है तो एप्लीकेशन क्रेडिट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बेसिस पे मैं ये आपको कह सकता हूं कि इसको याद करना निहायत ही आसान है, यानी जब जब पैसा मिलेगा बैंक डेबिट, और जो कॉल का रेट है वो क्रेडिट, यानी बैंक, ध्यान सुनना, एप्लीकेशन रिसीव तो एंट्री क्या बनाओगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट रिसीव एंट्री क्या बनाओगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल रिसीव तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल तो बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉल,
नंबर ऑफ शेयर टोटल और मल्टीप्लाइड बाई रेस्पेक्टिव कॉल का रेट, एप्लीकेशन का रेट 2, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 3, कुछ और भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई दिक्कत है नहीं। एप्लीकेशन के बाद ये पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो बेटे कैपिटल में ट्रांसफर करो, और जब हम अलॉटमेंट का डिमांड करते हैं, फर्स्ट कॉल की डिमांड करते हैं, तो वहां भी हम कैपिटल में पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि यहां हमें कंफर्म है कि इन लोगों से पैसे मांगने हैं। तो जब जब कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, तो हर केस में चाहे कोई भी केस हो, शेयर कैपिटल अपने फेस वैल्यू से, यहां फिर से सुनना ध्यान से, यानी आप प्रीमियम इशू कर रहे हो, डिस्काउंट में इशू कर रहे हो, पार में इशू कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। शेयर कैपिटल ऑलवेज अपने फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, चाहे केस कोई भी हो। फिर डेबिट क्या होगा? तो जो कॉल है, बताओ शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हुआ तो क्या लिखा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का ट्रांसफर करोगे तो क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल का शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल का शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो ये है बेटे किसका, पार का। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रीमियम की। तो जब मैं प्रीमियम की बात करूंगा बच्चे, जब प्रीमियम की बात करूंगा तो प्रीमियम किस पे, यदि दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो अपन क्या मानते हैं, अलॉटमेंट पे। तो इस बार अलॉटमेंट पे मुझे 2 रुपए मिलेंगे, बोलो हाँ। बाकी यदि ये सेम क्वेश्चन है और प्रीमियम की बात करो, तो देखो ध्यान से, पहली एप्लीकेशन वाली एंट्री और दूसरी एंट्री ये तो सेम हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन तो सेम, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब जब शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होगी, तो बेटे यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो एक्सेस पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। नंबर ऑफ शेयर 10,000 इंटू यहां आएगा 5, 10,000 इंटू, याद रखना ये हमेशा फेस वैल्यू से कैपिटल क्रेडिट होता है, 10,000 इंटू 2। एक बार यहां पैसा आ गया, फिर एंट्री बनाते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना बेटे 50,000, यानी 10,000 इंटू 5। इसी एंट्री में जहां प्रीमियम है, बस उसी एंट्री में चेंज होगा, बाकी किसी भी एंट्री में चेंज नहीं होगा, ये सेम सारी एंट्री पार वाली ही चलती जाएगी। तो बताओ इंस्टॉलमेंट के केस में आपको एंट्री समझ में आ गई? अगेन एक बात याद रखना, हमने माना कि जितना शेयर इशू किया उतना ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ, उससे ज्यादा रिसीव नहीं हुआ, यानी फुली सब्सक्राइब का केस है। अंडर और ओवर ये अभी चर्चा का विषय है, वो अलग से करेंगे। अब अपन बात करेंगे अदर देन कैश। किसकी बात करेंगे बेटे? अदर देन कैश। कहता सर सबसे पहले तो आपने बताया कि एसेट परचेज करते हैं। हां करते हैं। कहता कैसे? ध्यान से देखना बेटे, कंपनी ने एसेट परचेज किया, तो जिस दिन एसेट परचेज किया, एसेट्स परचेज, उस दिन एंट्री बनाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा दे दिया तो बैंक, क्योंकि इसमें पैसा देना नहीं था तो क्या लिखेंगे, वेंडर। क्या लिखेंगे बेटे? वेंडर। अब इस वेंडर को या तो आप कैश में पेमेंट कर दो, या तो चेक से पेमेंट कर दो, या फिर इसको क्या दे दो, शेयर। तो यदि इस वेंडर को आपने शेयर दिया तो शेयर इशू किया, लेकिन क्या पैसा आया? नहीं। बदले में क्या आया? एसेट्स। गया क्या? गया क्या? शेयर। आया क्या? एसेट्स। कैश इन फॉर्म में नहीं आया, तो बेटे इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अदर देन कैश इशू। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, व्हेन शेयर इशूड टू वेंडर, आप वेंडर को क्या इशू करोगे? शेयर। अब जब शेयर इशू करूंगा तो बेटे दो बातें हो सकती है, या तो पार पे इशू करूंगा या फिर प्रीमियम पे। अब ध्यान से देखना, चाहे पार पे इशू करूं या प्रीमियम पे, वेंडर दोनों केस में डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, यहां टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बेटे यहां समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, मान लो आपने 10,000 का एसेट खरीदा,
तो 10,000 का एसेट खरीदा और बंदे को 10,000 रुपये का शेयर दे दिया, एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10,000, सॉरी 10 रुपये। तो आपने 10 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया, 1,000। बोलो ठीक है। यहां पे आपने इसको शेयर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, लेकिन जो आपने प्रीमियम पे किया है वो 25% पे। प्रीमियम कितने पे, 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे। तो बेटे यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। वेंडर को आपको कितना पैसा देना था बेटे, 10। आपके एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10, और इस पे आप 25% की प्रीमियम लगा रहे हो, बोलो ना, तो 2.5। अब 10,000 को 12.5 से जब डिवाइड करोगे तो यहां पे ना आपको नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, ये कितने आएंगे बेटे, 800। ये जो 800 शेयर है, आराम से सुनना, इस 800 शेयर की ट्रीटमेंट क्या करोगे, ये देखो, 800 इंटू एक शेयर का फेस वैल्यू कितना, 10, और 800 इंटू एक शेयर का प्रीमियम रेट कितना, 2.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 800, ये 2000, टोटल कितना बना, 10,000। ये इस तरह से आपके अमाउंट फिक्स होंगे। अब इसमें एग्जामिनेशन में आपको वो तंग भी करता है, कहता है सर वेंडर से हमने एसेट लिया 10,000 का, उसको 20% कैश दे दिया। कितना दे दिया कैश, 20%। तो भाई जो कैश दे दिया तो टू बैंक हो जाएगा 2,000, तो कैपिटल कितने का जाएगा, 8,000। कितने का जाएगा, 8,000। और यदि इस 8,000 को प्रीमियम पे दे रहे हो तो बेटा अब जो प्रीमियम का फॉर्मूला यहां सेट करोगे ना, वो अब 8,000 डिवाइड बाई 10+2.5 करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जितने को वेंडर को शेयर दे रहे हो ना, उतने को यहां न्यूमरेटर बना के तब प्रीमियम वाला रेट निकालना है। कहीं गलती से यदि तुमने वेंडर को दिया 10 और 20% कैश भी दे दिया और तुमने यहां 10 लिख दिया, तो फिर तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, ये एंट्री मैच नहीं करेगा। वेंडर में ये देख लो ध्यान से, एक ये केस होता है। इसके बाद आजकल कभी कभी ना वो कहता है शेयर इशूड, दूसरा है बेटे टू प्रमोटर्स। किसको इशू कर दिया बेटे, प्रमोटर्स को। प्रमोटर कौन होते हैं, जो वो बंदा जिसके दिमाग में ना कंपनी क्रिएट करने का, यानी फाउंडर कह सकते हो, कंपनी का जो फाउंडर होता है, जिसके दिमाग में ये आया था कंपनी कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं प्रमोटर्स बेटे। बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, तो उनको जो शेयर इशू किया जाता है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो उस केस में हम ध्यान से देखना, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर गुडविल को डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल। बस एक छोटी सी एंट्री होती है और कुछ नहीं, क्लियर है। तो इसमें भी कैश तो नहीं आया ना, इसलिए इसका भी रेंज कहां रखेंगे हम, अदर देन कैश में। एक और आता है व्हेन बिजनेस परचेज, सर पहले तो ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बिजनेस परचेज किया या एसेट परचेज किया। तो देखो बेटे, बिजनेस परचेज की दो बातें होंगी, पहला वो कंपनी का एसेट भी खरीदेगा, लायबिलिटी भी खरीदेगा, और उसके बदले में वो जो देगा उसको बोलते हैं हम पीसी, परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन, आराम से सुन लो ठीक है। तो कहता है कि आप जब परचेज कंसिडरेशन इशू करोगे, परचेज कंसिडरेशन इशू करोगे, और उस परचेज कंसिडरेशन जो भी तय होता है दोनों के, जब क्योंकि हम बिजनेस बेचते हैं ना, तो म्यूचुअल कंसेंट से हम तय करते ना कि उसका कितना प्राइस देंगे। जैसे आप सोचो कहीं भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे आप एप्पल खरीदने जाते हो, वो कहता है कि 100 रुपये किलो, आप कहते हो 90 में दोगे तो लूंगा, वो कहता है नहीं 90 तो नहीं दूंगा, 85 में। तो फिर आप भी एग्री होते हो, वो भी एग्री होता है, तभी तो बात बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। तो ध्यान से सुनना बेटे, सॉरी 85 नहीं, नलायको 95। अब ध्यान से सुनना, तो यदि बिजनेस परचेज किया तो इसकी खासियत क्या होगी कि वो आपकी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों परचेज करेगा। तो देखो ध्यान से, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी अक्वायर, तो जब एसेट्स और लायबिलिटी एक्वायर होगा तो क्या होगा, इंडिविजुअल एसेट्स डेबिट। जो एसेट मतलब प्लांट खरीदा तो प्लांट, स्टॉक खरीदा तो स्टॉक, ठीक है, डेबिट टू इंडिविजुअल लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी हो। फिर
टू वेंडर, इस वेंडर को जिस अमाउंट, जितना अमाउंट आप पे करोगे उसको हम पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी। ये पहले से दिया होगा क्वेश्चन में कि कितने में ये तय हुआ, पहले समझ लो। जैसे मान लो मैंने 1,00,000 रुपए का एसेट खरीदा और 20,000 का लाइबिलिटी खरीदा, तो नेट एसेट कितने का खरीदा? 80 का। तो इस 80 के बदले में, ये जो 80 है, इस 80 के बदले में कंपनी वेंडर को कितना दे सकती है? वो ज्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है, बराबर भी दे सकती है। यदि ज्यादा दिया, बोलो, तो डिफरेंस ऊपर आएगा, इसको बोलोगे गुडविल डेबिट। और यदि कम दिया तो नीचे डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को बोलते हो कैपिटल रिजर्व। अब फिर इस वेंडर को फिर से शेयर इशू होगा, शेयर इशू टू वेंडर, और जब इशू होगा तो फिर से वही दो कंडीशन आएगी, या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे। तो पार वाली के वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये जो कैलकुलेशन होंगे अमाउंट के, वो वैसे ही होंगे जैसे आपने एसेट परचेज में सीखा था। तो बिजनेस परचेज और उसमें कोई अंतर नहीं है। और एक बात और सुन लो, जो इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट है वही सेम इशू ऑफ डिवेंचर में ही लग जाता है। बस फर्क क्या होता है पता है? वहां पे ना शेयर के जगह पे क्या लिख देते हो, जहां जहां शेयर लिखते थे डिवेंचर, ऑलमोस्ट सारी एंट्री सेम होती है, देख लो ध्यान से। तो यदि रिविजन करोगे ना तो शेयर और डिवेंचर एक साथ कर लेना। अच्छा, इशू की बात कर रहा हूं ना, लायको देख लो ध्यान से, क्लियर है? चलो आगे सुनना ध्यान से। इशू प्रोसेस हमारा खत्म हो गया, या तो लमसम पे करेंगे, या तो इंस्टॉलमेंट पे, या तो एसेट परचेस करेंगे, या फिर अदर देन कैश में, या तो बिजनेस परचेस करेंगे। ये 8 केसेस हमने कर लिया, या तो पार पे हो या प्रीमियम पे हो, ठीक है? इसके बेसिस पे आप अपने बुक से क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, अदर देन कैश में जितने बुक्स में क्वेश्चन है वो जरूर देख लेना, उसमें कुछ कैश का डिफरेंसेज वो थोड़ा सा अलग तरीके से देता है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है? बाकी जो बेसिक चीजें हैं उसको भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बस एंट्री याद रखो। अच्छा, इसमें एक बात और, अभी तक जितने क्वेश्चंस देखा था उसमें क्या था बेटे, कि जितना इशू किया उतना ही रिसीव हुआ, ठीक? अब मैं दिखा रहा हूं, जितना इशू किया उससे कम होता तो क्या करते, आराम से सुनना। देखो बेटे, एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर, कितना बेटे? 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन रिसीव हुआ 9,000 शेयर का, कितने का बेटे? 9,000 का। तो बताओ, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से आती? 9,000 से। और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में भी कितना जाता? 9,000 से। और मजे की बात, अलॉटमेंट पे यदि मांगते तो भी कितने से? 9,000 से, क्योंकि इससे ज्यादा तो मिला ही नहीं, और क्योंकि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन को क्वालिफाई कर चुका है तो एंट्री तो होगी, बट सारी एंट्रीज किससे होगी? 9,000 से। बाकी पार के केस में सेम होगा, प्रीमियम के सेम होगा, बस खाली नंबर ऑफ शेयर वहां 10 था, यहां कितना हो जाएगा? 9। और कोई चेंजेस नहीं है। ये कब लगानी है बेटे? अंडर सब्सक्रिप्शन, बोलो ना, क्लियर है? आओ नेक्स्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन। इशू कितने का किया? 10,000। एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए सर? 15,000। तो यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ना बेटे राइट होता है कि यदि शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए तो हम किस तरह से अलॉट करें। तो उनके पास पहला राइट होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का। कैसा राइट होता है पहला? एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का। ये क्या होता है भाई? सिंपल, हमें 15,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला है, बट हम अलॉट कितना कर सकते हैं? 10। तो बाकी 5 को क्या करेंगे? रिजेक्ट। क्लियर है? सर एक बात बताओ ना, इसकी एंट्री कैसे बनाओगे? तो देखो बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन भाई 15,000 इंटू, मान लो हमने सारा पैसा एक ही बार में मांग लिया तो ये कितना आएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल और बाकी पैसा हम क्या कर देंगे भाई, रिफंड। तो 1.5 लाख मिला था, 1 लाख कंपनी ने रख लिया, बाकी 50,000 क्या कर देगी, रिफंड। बताओ ना, एक्सेप्ट रिजेक्ट में कोई दिक्कत है? नहीं सर। यदि इंस्टॉलमेंट में होता था क्या होता, तो 15,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट 2, तो यहां पैसा कितना आता, 30। शेयर एप्लीकेशन 30, कैपिटल में कितना जाता भाई, 10,000 इंटू 2 20, एक्सेस कितना जाता, 10, रिफंड हो जाता। फिर अलॉटमेंट में उसके अकॉर्डिंग चलता जाता, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो अब दूसरा क्या है, प्रोराटा। और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट और प्रोराटा दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हमें तो बस दोनों को सीख लो तो मिक्सर तो अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रोराटा क्या है, कहता है सर देखो ये एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन डिसाइड कर देता है। कैसे, आपने 15,000 का मुझे दिया था एप्लीकेशन, तो मैं 10 अलॉट करूंगा। अच्छा इस केस में ध्यान से सुनना, यदि ये सारा लमसम पे हुआ तो ये जो 5 रुपए है वो उस केस में भी रिफंड ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैक्सिमम पैसा मांगने का अधिकार कितना है, 10, और आपको मिला कितना, 5, और 10 × 10 आपको मांगने का पैसा कितना मिलना चाहिए, 1 लाख, और मिला भी कितना, 1.5 लाख, तो 50,000 तो आपके पास एक्सेस है, वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम कहां ये तंग करता है, ध्यान से सुनना, ये किस कैसे अलॉट हुआ बेटे, प्रोराटा पे। यानी इसने ये कहा कि जिन्होंने मुझे 15 के रेट से एप्लीकेशन दिया है, 15 के फ्रैक्शन में जिन्होंने मुझे एप्लीकेशन दिया है, उनको मैं कितना अलॉट कर रहा हूं, 10। कितना अलॉट कर रहा हूं, 10। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा कि एप्लीकेशन का रेट 2 रुपए है, अलॉटमेंट का 5 रुपए है, और फाइनल कॉल का 3 रुपए है, टोटल 10 रुपए हो गए बेटे। अब ध्यान से सुनना, यदि ऐसा है तो कहता है कि मेरे पास मिस्टर जेड हैं जिनके पास 1,000 शेयर हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दिया अलॉटमेंट। अच्छा ये अभी एरियर तो अभी सिखाया नहीं है ना तुम्हें, बस अभी इतना ही सीखो, ठीक है बेटे। अब ध्यान से सुनना क्या होगा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 × 2 30, डन। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट या कॉल्स इन एडवांस, ये आपकी मर्जी है भाई। 15,000 × 2 हमने मांगा कितना था, 30, बट मांगना कितना चाहिए था, 20। एक्सेस कितना दिया, 10। तो जो 10 एक्सेस दिया ना, कहता है हम इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट। यदि क्वेश्चन में इस 5 जो एक्सेस मिले हैं इसके बारे में ना भी कहे ना, तब भी आप एडजस्ट कर लेना। और यदि क्वेश्चन कहे कि नहीं एडजस्ट नहीं करना, रिफंड करना, तब फिर आप सोच लेना, तब रिफंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बताओ यहां कितना आएगा, 10, डन। अब सर शेयर अलॉटमेंट की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बताओ 10 × 5 सर अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना मांगा था, 10 × 5 यानी 50,000, बोलो, और मिला कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से सुनना बेटे, अलॉटमेंट पे ऑलरेडी तुम्हें कितना मिल चुका, 10, और मांगा कितना था, 50, तो और कितना मांगेगा, 40, मिलेगा कितना, 40। यहां तक कोई कष्ट है, बाकी नॉर्मल एंट्री चलती जाएगी फर्स्ट कॉल की, कोई दिक्कत है, देख लो ध्यान से। प्रोराटा में बस ये एक प्रोपोर्शन है। अब इस प्रोराटा का सही यूज कहां होता है, अभी चेक करते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुली सब्सक्राइब, ये तीनों का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया बच्चे, बोलना। अब कॉन्सेप्ट आता है बेटे कॉल्स इन एरियर का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, कॉल्स इन एरियर का।
ये क्या होता है कॉल सिनेरियो सर? सुनो जी हम बताते हैं। कहता है व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल मनी ऑन लास्ट डेट स्पेसिफाई बाय द कंपनी। कंपनी ने जो लास्ट डेट शेयर होल्डर के लिए दे रखा है कि इस डेट तक यदि आपने पैसा नहीं दिया तो फिर उस डेट तक यदि पैसा नहीं मिला तो क्या मान लेंगे बेटे उसको? कॉल सीन एरियर। यदि कॉल सीन एरियर हुआ तो बोर्ड के पास अधिकार होता है, बोर्ड मतलब बेटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके पास अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? कि वो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं प्लस वो आपके शेयर को फॉरफिट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉरफिट। अब क्या होता है फॉरफिट वो अभी हम सीखेंगे। मुद्दा तो ये है कि यदि कॉल सिनेरियो हुआ तो अकाउंटिंग क्या होगा। तो ध्यान से देखना बेटे, आपने शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मान लो 10,000 रुपये मांगा। कैसे पता चला सर? 5,000 का शेयर है और एक अलॉटमेंट का रेट 2 रुपये, तो 5,000 × 2 10,000 रुपये मांगा था, ठीक है। इस 5,000 में से एक बंदा ऐसा है मिस्टर एक्स जिसके पास 1,000 शेयर है, उसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, ठीक। तो अब आपके पास जो पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिले कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट में कितना मांगा था? 10, उसमें से 1,000 × 2 नहीं मिले तो एरियर हो गया, तो कितने मिले होंगे? 8,000। आराम से देख लो, कभी कभी कॉल सीन एरियर ना लिख के जितना मिला नेट 8,000 ही लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 और टू शेयर अलॉटमेंट 8,000। तो अलॉटमेंट यहां 10,000 से डेबिट है, क्रेडिट 8,000 से होगा, तो अलॉटमेंट में ऑटोमेटिक बैलेंस 2,000 का डेबिट पड़ जाएगा और वो डेबिट बैलेंस इंडिकेट करेगा कॉल सीन एरियर को। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अलॉटमेंट को हमेशा कैंसिल करके चलो और कॉल सीन एरियर का बैलेंस दिखाते चलो। क्लियर है? तो ये था बेटे कॉल सीन एरियर। अब मुद्दा आता है सर, यदि कॉल सीन एडवांस हो तो उसको कैसे समझेंगे? ध्यान से देखना, व्हेन शेयर होल्डर पे द मनी ऑफ कॉल बिफोर ड्यू, यानी मांगने से पहले जो मिल जाए उसको क्या बोलते हैं बेटे? कॉल सीन एडवांस। और कॉल सीन एडवांस पे कंपनी के डायरेक्टर के पास अधिकार मतलब ऑब्लिगेशन बन जाती है कि यदि आर्टिकल में लिखा है तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करें। क्या चार्ज करें बेटे? इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? तो बेटे देख ध्यान से, कॉल सीन एरियर पे कंपनी जो इंटरेस्ट लेगी वो 10% पर एनम के हिसाब से होता है और जो देगी वो 12% पर एनम के हिसाब से होता है। यानी कॉल सीन एडवांस पे इंटरेस्ट देगी कितना? 12% और लेगी कितना? 10%। यदि क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो भी यही मानना है और जो दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? ठीक है।
चलो देखो कॉल सीन एरियल व्हेन अ शेयर होल्डर डू नॉट पे देयर कॉल मनी एज लास्ट डेट स्पेसिफाइड बाय द कंपनी. ये कहां से होगा बेटे? बाय डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनपेड कॉल्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर या फिर फॉरफिट द शेयर. कॉल्स इन एडवांस क्या होगा? कहता है कि यदि वो सारा पैसा मांगने से पहले ही दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे बेटे? कॉल्स इन एडवांस. अच्छा, कॉल्स इन एडवांस को कोई डिविडेंड नहीं मिलता. ये एक एक नंबर में थ्योरेटिकल में क्वेश्चन आता है, वो ध्यान देना. इंटरेस्ट का रेट बेटे इस पर 12% होता है और इस पर 10% पर एनम, 12% पर एनम. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की बाद में चर्चा करेंगे. पहले लिखते हैं, हम समझते हैं शेयर फॉर फ्यूचर. क्या समझते हैं बेटे? शेयर फॉर फ्यूचर. अब ये वाला पॉइंट अब जो शुरू कर रहा हूं बेटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहां से ध्यान से देखते जाना और समझते जाना. ये समझ गए तो फिर आपको सब कुछ आ जाएगा, और नहीं फिर फंसोगे. द डायरेक्टर ऑफ सॉरी सबसे पहले शेयर फॉर फ्यूचर देखो ध्यान से. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज ए पावर टू फॉरफिट द शेयर्स व्हेन कॉल्स इन एरियर आफ्टर सर्विंग हिम प्रायर नोटिस एंड कंप्लाइंग विद द रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर प्रेस्क्राइब्ड इन एओए. ये क्या होता है? ये जो मैंने एज पर प्रेस्क्राइब्ड वगैरह ये जो लिखा है, ये बेटे लॉ की बात है. जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो वहां बताया जाएगा कि शेयर फॉर फ्यूचर कैसे होता है प्रैक्टिकली. ठीक है, हमें तो उसकी अकाउंटिंग करनी है, तो आपको समझनी है. ध्यान से सुनना बेटे, शेयर फॉरफिट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, अभी आपको दिखा रहा हूं. ध्यान से सुनना, कंपनी ने शेयर इशू किया था, कंपनी ने क्या किया था बेटे? शेयर इशू किया था. ठीक है, कंपनी ने शेयर इशू किया था, पब्लिक ने उस पर एप्लीकेशन दिया था, फिर इसने शेयर होल्डर का नाम अपने मेंबर ऑफ रजिस्टर में लिखा था, और फिर इनको क्या दिया था? शेयर सर्टिफिकेट. और ये क्या बन गए थे? कंपनी का मेंबर. अब जब कंपनी इनको शेयर फॉरफिट करना चाहती है तो होगा क्या? ध्यान सुनना, इन्होंने पहला तो जब कंपनी का ये मेंबर बने थे तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जितने शेयर की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं वो मुझे पे करना पड़ेगा. यानी मैंने 10,000 शेयर लिया और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो मुझे 1,00,000 रुपये पे करनी है जब कंपनी डिमांड करेगी. तो यदि ऐसा मैंने नहीं किया तो मैंने अपनी ड्यूटी ब्रीच की है कॉन्ट्रैक्ट का. एक पार्टी ने अपना, आपने पढ़ा होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो आपने अपना पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगा. और वो पेनाल्टी क्या है जरा सुनना ध्यान से और समझना. कहता कंपनी आपको मेंबर रजिस्टर में से हटा देगी, आपका शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगी. देख लो ध्यान से, अब आप उसके शेयर होल्डर नहीं रहे, बाय बाय. फिर फॉरफिट का क्या मतलब है सुनना ध्यान से. हो सकता है कंपनी को आपने एप्लीकेशन दे रखा हो, हो सकता है अलॉटमेंट दे रखा हो सकता है फर्स्ट कॉल दे रखा हो, और आपने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इस कर्मों का सजा आपका शेयर फॉरफिट कर लिया गया. अब आपके मन में एक दर्द उठेगा कि सर जो पैसा दे दिया क्या वापस आएगा? कभी नहीं, भूल जाओ, जय श्री राम. वो पैसा अब आने वाला नहीं है, उसी को तो कंपनी रख लेती है अपने पास, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटे? फॉरफिट. ये पैसा अब नहीं आएगा. पढ़ो ध्यान से, द टर्म फॉरफिट मीन्स टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन. जो आपके सामने कंडीशन लगा था वो कंडीशन आपने भंग कर दिया, तोड़ दिया, वो वादा निभाया नहीं, तोड़ दिया. और वादा यदि तोड़ दिया तो भाई आपने जो प्रॉपर्टी जमा कर रखा है वो वापस नहीं मिलेगा. क्लियर है? और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटे? फॉरफिट. कहता इट इज द एक्शन टेकन बाय अ कंपनी टू कैंसिल द शेयर. आपके शेयर को क्या कर दिया जाएगा बेटे? कैंसिल. कहता फॉरफीचर ऑफ शेयर मस्ट बी बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. अच्छा, ये लॉ में लिखा है बेटे, ये कहता है कि आप कंपनी के इंटरेस्ट के लिए फॉरफिट करना, ऐसा नहीं कि कंपनी को ही
बर्बाद कर दो फॉरफिट कर करके, सारे मेंबर्स को हटा दो। कभी कभी जेन्युइन भी तो प्रॉब्लम होते हैं ना कॉल सीनियर के, तो उसको आप कंसीडर करो। वो यहां से बातें करना चाहता है। डायरेक्टर हैज अ पावर टू कैंसल सच फॉरफिचर बिफोर द फॉरफिटर्स एस आर रेशू। और यदि डायरेक्टर के मन में दया आ गई कि नहीं बंदे सही हैं और हमारी कंपनी के लिए जरूरी है, तो री इशू से पहले वो जो फॉरफिट हो रखा था उसको कैंसिल भी कर सकता है। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, क्लियर है कि फॉरफिट होता कैसे है। यानी जो कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी ने एंट्री डाला होगा, बोलो हाँ, क्लियर है। तो जितनी एंट्री डाला होगा वो सारे पैसे हमारे पास जितने आ गए, अब मैं उनको दूंगा नहीं। तो अब मुद्दा ये है कि सर आपने हमें यदि मेंबरशिप से हटा दिया, यानी मैं आपका मेंबर नहीं, तो बुक्स में तो आपका नाम नहीं है, मेंबर ऑफ रजिस्टर में भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मेरे नाम का शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रखे हैं उसकी अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होगा वो भी तो दिखा दो। तो बेटे वहां से भी आपके सारे हिस्सेदारी कैंसिल की जाएंगी। वो कैसे किए जाते हैं वो मैं चर्चा कर रहा हूं, आराम से देखना और इस पर एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करके चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चले आगे, लो जी चेक करते हैं बेटे शेयर फॉरफिचर। कहते हैं जब भी शेयर फॉरफिट हो ना तो आप चेक करो कि वो इनिशियली इशू कैसे हुआ था। चेक हाउ इनिशियली इशूड। कहते हैं कि जब शेयर फॉरफिट करो तो ये चेक कर लो कि वो इनिशियली इशू कैसे हुआ था। कैसे हुआ था मतलब शेयर इशू के तो दो ही तरीके हैं ना, बोलो ना, या तो पार पे हुआ होगा या प्रीमियम पे। यदि ये पार पे हुआ होगा, किस पे बेटे, पार पे, तो ध्यान से सुनना, यदि आप शेयर इशू करते तो आप क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो जितने से कैपिटल क्रेडिट है इनका इंपैक्ट हटाना है तो क्या कर देंगे, डेबिट। आराम से सुनना सर, एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया, कैपिटल का इंपैक्ट हटाना है और बैंक वाला पैसा हम फॉरफिट कर लेंगे, तो इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, फॉरफिट अकाउंट में। आराम से देखना बेटे, शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट टू टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स इन एरियर। अब ध्यान से सुनना सर, ये किससे डेबिट होगा, तो कॉल्ड अप से, यानी जितने से कैपिटल क्रेडिट हुआ है ये उतने से ही डेबिट होगा, उससे ज्यादा से नहीं। यानी कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा, तो फाइनल कॉल का रेट दो रुपए, इसका मतलब कंपनी ने कितना मांगा, आठ, तो कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ, आठ से। तो जितने से कैपिटल क्रेडिट हुआ बेटे उसी आठ को हम क्या बोलते हैं अपन, कॉल्ड अप। तो जितने से क्रेडिट हुआ उतने से क्या कर दिया, डेबिट, तो कैपिटल कैपिटल कैंसिल। अब ध्यान से सुनना, कहते हैं सर ये जो कॉल सीन एरियर है ये क्या है, कहता है कि जितना हमने मांगा कितना बेटे, आठ, इस आठ में से तुमने छह दे दिए और दो नहीं दिए, तो जो नहीं दिए वो क्या था, एरियर, और जो दे दिया वो पैसा बैंक में था, उसको यहां उठा के कहां ट्रांसफर कर दोगे। यानी टोटल मांगा आठ, मिल गया छह, नहीं मिला दो, जब नहीं मिला था तो कॉल सीन एरियर डेबिट हुआ था, क्रेडिट करके उसको कैंसिल कर देंगे, और जो मिल गया था उसका बैंक डेबिट हुआ था, क्रेडिट कर देंगे, बैंक को वापस तो दे ही नहीं रहे इसलिए शेयर फॉरफिट को क्रेडिट कर देंगे। आया समझ में, तो शेयर फॉरफिट खत्म, बस इतना ही होता है, आराम से देख लो। अब अगली बात, सर प्रीमियम में क्या है, कहता प्रीमियम में दो बातें, ये भी चेक कर लो कि क्या प्रीमियम रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ है। यानी यदि प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ था शुरू में, तो जब आप उसको फॉरफिट करने जाओ तो ये चेक कर लो कि क्या प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे क्वेश्चन कहता है प्रीमियम किस पे है बेटे, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट नहीं मिला, तो अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला, और यदि अलॉटमेंट मिल गया तो इसका मतलब प्रीमियम भी मिल गया। अब ध्यान सुनना, एग्जाम में आपको तंग करता है क्या,
अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम था। कहेगा कि अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दोनों मिल गया, फाइनल कॉल नहीं मिला। तो ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो स्टिल प्रीमियम नहीं मिला। तो जो प्रीमियम मिल गया उस वो वाला पार्ट रिसिप्ट में, और जो नहीं मिला वो वाला पार्ट नॉट रिसिप्ट में। फिर से बोलूं, नालायक को रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिवर्स करके सुन लेना, एक ही बात बार बार बोलूं। इधर देखो, यदि रिसीव हो गया हो तो शेयर कैपिटल फिर से डेबिट कहां से बेटे, कॉल्ड अप से। जो रिसीव नहीं हुआ, आराम से सुनना, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ कॉल्ड अप में, तो कॉल सिनेरियर में गया होगा, और जो रिसीव हो गया वो शेयर फॉरफिट। क्लियर है? शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सीन एरियर टू शेयर फॉरफिट। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, सर जो फॉरफिट होगा, क्या अब प्रीमियम वाला भी पैसा तो रिसीव हो गया, तो क्या इसमें प्रीमियम पैसा वाला, जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो वाला पैसा आएगा? कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को इसमें क्या कर देना, इग्नोर। क्लियर है? ठीक है, यहां देखो, शेयर कैपिटल डेबिट होगा अपने फेस वैल्यू से जो कॉल्ड अप है। अच्छा, कैपिटल क्रेडिट होता है फेस वैल्यू से, तो डेबिट भी किससे होगा, फेस वैल्यू से। वो प्रीमियम और प्रीमियम का वहां पे एडजस्टमेंट नहीं दिखाना। शेयर कैपिटल डेबिट होगा, इसको कैंसिल करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला तो इसको डेबिट कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट कर दोगे। टू कॉल सिनेरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। आराम से देखना, जब कॉल सिनेरियर होगा तो इसमें कैपिटल वाला पार्ट और प्रीमियम वाला पार्ट दोनों आएगा। मतलब शेयर कैपिटल में से वो पोर्शन जो रिसीव नहीं हुआ वो भी आएगा, और प्रीमियम वाला क्योंकि ये भी रिसीव नहीं हुआ तो दोनों कॉल सिनेरियर में आएंगे, और शेयर फॉरफिट में तो सिर्फ वही आएगा जो रिसीव हुआ था। सर सर आपने शेयर फॉरफिट कंप्लीट तो करा दिया, मैंने कहा हाँ, तो एक काम करो ना सर, इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाओगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ चेक करते हैं एग्जाम्पल। लो जी एग्जाम्पल देखो ध्यान से, द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। एक शेयर कितने का है बेटे, 50 रुपए का। बींग 40 बींग कॉल्ड अप, इस पे से मांगा कितना गया 40, ऑन विच राधा ए शेयर होल्डर पेड अप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 25। देखो ध्यान से, हमने टोटल कितना मांगा 40, जिसमें से मिला कितना 25, बट डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी ऑफ रुपीज 15। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, सब कुछ बता दिया। इसमें से कितना नहीं मिला 15। बताओ पहले शेयर इशू कैसे हुआ, पार पे, क्योंकि अब प्रीमियम के बारे में कुछ ना कहा तो किस पे इशू हुआ, पार पे। तो बताओ एंट्री क्या होगी, बड़ा सिंपल, सर शेयर कैपिटल डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 500 इंटू 40, यही कॉल्ड अप है, कितना आएगा 20,000। टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल सीन एरियर। एरियर कितना है बेटे 500 इंटू 15, ये अमाउंट कर लेना कैलकुलेट, 500 इंटू 15। फॉरफिट कितना होगा 500 इंटू 25, इन दोनों को मैच करोगे, एक 7,500 आएगा, एक 12,500 आएगा, हो गया फॉरफिट। एग्जाम्पल टू देखो, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच, 35 पर शेयर कॉल्ड अप, इसमें से कितना मांगा बेटे 35, ऑन विच 25 पर शेयर हैज बीन पेड बाय द केस। देखो ध्यान से, कॉल्ड अप कितना बेटे 35, जिसपे पे कितना हो गया 25, कितना नहीं मिला 10। सेम एंट्री होगी, शेयर कैपिटल डेबिट बताओ, नंबर ऑफ शेयर कितना 100 इंटू 35, टू कॉल सिनेरियर 100 इंटू 10 1,000, और टू शेयर फॉर फ्यूचर 100 इंटू 25। डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑन विच 7 पर शेयर पेड, इस पे कितना पेड है 7, तो कितना नहीं पेड है 3, तो मांगा कितना 10, तो क्या लिखोगे बताओ,
शेयर कैपिटल डेबिट 1000 × 10, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिचर, 1000 × 7, ये पे हो गया तो फॉरफिट हो जाएगा 7000 और ये 3000 एरियर हो गया। बोलो बोलो, ठीक है सर। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। यहां ध्यान रखना कि ये शेयर इशू हुआ है प्रीमियम पे। कैसे इशू हुआ है? प्रीमियम पे, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम पर शेयर। एक्स लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू किया 10 रुपए पे, प्रीमियम करे 3 रुपए है, और सामने वाले ने क्या नहीं दिया बेटे? फाइनल कॉल नहीं दिया, जो कि 6 रुपए का इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, यानी प्रीमियम कितने का इंक्लूड होगा? 3 रुपए का। तो प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ ये चेक करो। तो सर साफ साफ पता चल रहा है प्रीमियम किस में है? फाइनल कॉल में, और फाइनल कॉल उसने नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया, ठीक है। शेयर कैपिटल डेबिट होगा कितने से? सर फाइनल कॉल नहीं दिया इसका मतलब ऑल कॉल मांग लिया, तो कॉल डब कितना होगा? 10 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल 1000 × 10, प्रीमियम भी डेबिट होगा 1000 × 6 में, देखो ध्यान से 3 रुपए का प्रीमियम है, तो 1000 × 3 से प्रीमियम डेबिट होगा 2। मैं थोड़ा इसको ज्यादा आगे करके लिख रहा हूं, कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉरफीचर, यही है ना दो अमाउंट, कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉरफीचर। आराम से देखना, 1000 × 10 कितना होगा बेटे? 10000। 1000 × 3 कितना होगा? 13000 टोटल हुआ। अब 1000 × 6 नहीं मिला तो एरियर हुआ। अब इस 6 में 2 एलिमेंट है, 3000 प्रीमियम का, 3000 कैपिटल का, तो मिल कितना गया? 7। ये 7 रुपए प्रॉफिट हो गया। दोनों को टोटल करके देखो, 7 और 6 13, 10 और 3 13। कोई कष्ट है तो बताओ? नहीं है। आगे बढ़ो, 200 इक्विटी शेयर 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर पेबल अलोंग विद द अलॉटमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन मनी ऑफ वाज 3 पर शेयर। लो जी, साफ साफ बता दिया कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू किया, 200 शेयर इशू किया था 10 रुपए का, एक प्रीमियम था 5 रुपए, मिलेगा ये अलॉटमेंट पे, लेकिन अलॉटमेंट ही नहीं मिला तो 8 रुपए का, ध्यान से देखना बेटे, 8 रुपए का अलॉटमेंट है जिसमें 3 रुपए 5 रुपए का प्रीमियम है, तो कैपिटल से रिलेटेड 3 रुपए हैं, प्रीमियम का 5 रुपए है, और एप्लीकेशन का कितना है बेटे? 3। तो अब तक टोटल कैपिटल कितना कॉल्ड अप हो गया? 3 और 3 6, यही हुआ। तो लो जी, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर, यही कहानी बनेगी क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। नंबर ऑफ शेयर बताओ 200, कैपिटल से रिलेटेड तो 3 यहां है, 3 यहां है, तो टोटल कितना? 6, और 200 × 5 तो ये आ जाएगा 1200, 1000। अब कहता है कि जो कॉल्स इन एरियर है वो बता दो, तो कॉल्स इन एरियर तो 8 है बेटे, तो 5 और 3 8, 1600 रुपए का कॉल्स इन एरियर हो गया, और मिला कितना? तो सिर्फ 3, 200 × 3 600, 1600 600 2200 और 12 और 10 22। आराम से देख लो, कोई कष्ट है तो बताओ। ये था शेयर फॉरफिट की कहानी। एंट्री बिल्कुल क्लियर है? अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब जब शेयर फॉरफिट होता है तो इसके बाद अब शेयर की री इशू की बारी आती है।
री इशू ऑफ शेयर। आराम से सुनना बेटे, री इशू ऑफ शेयर। बेटे समझो पहले, री इशू का मतलब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ा टाइम देना और मेरी बातों को ध्यान से 5 मिनट सुन लो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरी बातों को यहां अच्छे से रख रहा हूं, ध्यान से सुनना बस 5 मिनट, इरिटेट मत होना, ठीक है। चलो आगे सुनो, री इशू ऑफ शेयर। री इशू का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, इट इज जस्ट लाइक अ रीसेल ऑफ शेयर। जो शेयर हम इशू करके फॉरफिट करके रीइशू करते हैं ना, तो वो फ्रेश इशू नहीं है, ये क्या है बेटे, रीसेल, यानी हम शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। और यहां कैसे मैं बता रहा हूं, जब हम शेयर बेचते हैं तो यहां एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, दोबारा ये सामने वालों को मौका नहीं मिलेगा, सिंपल, इतना पैसा दो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ये जो रीइशू होता है ना, ध्यान से सुनना, या तो ऑल फॉरफिटेड शेयर इशू हो जाएगा, ऑल फॉरफिटेड शेयर रीइशूड, या फिर पार्टली फॉरफिटेड शेयर रीइशूड। यानी जितना शेयर आपने फॉरफिट किया वो सारा रीइशू कर दिया, या जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1000 शेयर आपने फॉरफिट किया था, सारा रीइशू कर दिया, 1000 फॉरफिट किया था, 800 रीशू किया, 600 रीशू किया, 500 किया, 400, 900, मतलब पूरा अभी रीशू नहीं किया। तो दोनों सिचुएशन में एंट्री में क्या फर्क पड़ती है, अमाउंट में क्या फर्क पड़ता है, ये हमें समझना है, क्लियर है। चलो अब सुनना ध्यान से, कहता है कि यदि आपने सारा शेयर फॉरफिट कर दिया तो ये जो रीइशू होगा वो 3 तरीके से होंगे, ये पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। ओ माय गॉड सर, अभी अभी आपने बताया कि कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकती, अभी आप लिख रहे हो डिस्काउंट पे कर सकते हैं। यस, क्योंकि बेटा ये फ्रेश इशू है ही नहीं, ये तो हम बेच रहे हैं, इशू कहां कर रहे हैं, और इशू करने में डिस्काउंट अलाउड नहीं है, बेचने में कौन रोक सकता है, गॉट इट। चलो जी, अब मुद्दा फिर यहां आया, सर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो कहता है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 the extent of maximum मत लिखो, अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कहता है कि सर जितना इस अकाउंट में पैसा है उतना तक मैं शेयर को डिस्काउंट दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है री इशू में, क्लियर है, मतलब मैं ऐसे समझा रहा हूं बेटे, ध्यान से सुनना, ये शेयर है, क्या बेटे शेयर, सपोज करो ये शेयर है, इसकी प्राइस कितनी है बेटे, 10 रुपए, कितनी है 10 रुपए, आराम से सुनो, 10 रुपए में मैंने सोहन को बेचा, किसको बेचा बेटे, सोहन को, ठीक। अब जब घर पे गया सोहन लेके, तो मुझे उसने अभी 2 रुपए ही दिया था, कितने दिया था बेटे 2 रुपए, कहता है कि 2 रुपए एडवांस रख लो, मैंने ये खरीद लिया, श्योर मैंने खरीद लिया, ये 2 रुपए रखो, मैं लेके जा रहा हूं, 8 रुपए आपको कल दे दूंगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वो गया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, 3 दिन बाद मैं उसके घर पे गया, मैंने कहा भाई वो 8 रुपए क्या हुआ, तो सर वो ना मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ये खरीदना नहीं चाहता,
ये मैं खरीदना नहीं चाहता। तो मैंने कहा लाओ दो, मैंने ये रिमोट ले लिया। कह रहा है सर वो पैसे, मैंने कहा पैसे किस बात का, तुमने वादा किया था खरीदने का, तुमने खरीदा नहीं, तो वो 2 रुपये मैंने तेरे जब्त कर लिए। कितना जब्त कर लिए बेटे? 2 रुपये। तो ध्यान से सुनना, इसकी प्राइस कितनी थी? 10। उससे कितना लेना था? 8। कितना मिल चुका था? 2, यही है ना। अब ध्यान सुनना, अब मैं इसे राम को बेच रहा हूं। किसको बेच रहा हूं बेटे? राम को। राम को जब मैंने बेचा तो राम ने कहा कि मैं 10 रुपये में नहीं लूंगा। अब मुद्दा यह है कि मैं उसको डिस्काउंट पे दूं, प्रीमियम पे दूं, या पार पे दूं, यानी 10 रुपये में दूं, 10 से कम में दूं, 10 से ज्यादा में दूं। यह तो डिपेंड करता है ना कि इसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है। क्लियर है? अब मार्केट में इसकी वैल्यू डिमांड सप्लाई पे डिपेंड होती है। शेयर की जो वैल्यू होती है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। हमारी कंपनी का नाम कैसा है उसके बेसिस पे। अब ध्यान से सुनना, मैंने डिस्काउंट की चर्चा की है ना, मैं ये 10 रुपये की चीज उसको दे रहा हूं 7 में। क्या दे सकता हूं? 7 में दे सकता हूं? नहीं। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? मैंने उससे कितना फॉरफिट किया था भाई? इसकी प्राइस 10 रुपये, तो मेरे पास मैक्सिमम कितने पैसे आना चाहिए? 10। ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? 2। कितने आ चुके हैं बेटे? 2। तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दूंगा? 8। कितना दूंगा? 8। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, शेयर फॉरफिट में पैसा पड़ा है 2 रुपये, शेयर की फेस वैल्यू है 10, कहता है कि मिनिमम इशू प्राइस क्या होगा? मिनिमम इशू प्राइस क्या होगा? सिंपल 8 रुपये, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? 2 रुपये। आप नॉर्मल इशू प्राइस में से मैक्सिमम डिस्काउंट घटा दो तो मिनिमम इशू प्राइस नहीं आ जाएगा भाई। 10 रुपये में हम इसको बेच रहे हैं, 2 रुपये मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो और एक्स्ट्रा कितना लेंगे? 8। तो मिनिमम इशू प्राइस कितना है? 8। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? 2। क्लियर है? जितना शेयर फॉरफिट में पैसा पड़ा है उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ओके जी सर, समझ में आ गया। चलो, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि डिस्काउंट देंगे तो एंट्री क्या पास होगी? तो क्योंकि सारा शेयर इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमें मिला वो डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि ये पार पे मिला यानी 10 का माल 10 में बेचे हैं, तो फिर तो 10-10 कोई टेंशन ही नहीं है। 10 यहां, 10 यहां, माना मैंने एक शेयर है मेरे पास, वही फॉरफिट करके वही इशू किया है, तो 1 × 10 यहां क्या होगा? 10 के माल मैंने 12 में बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 के जगह पे क्या आएगा? 12, कैपिटल में 10, 2 रुपये प्रीमियम है। क्लियर है? चलो, इन दोनों केस में बेटे, क्योंकि आपने सारे पैसे क्या कर दिए हैं, सारे शेयर इशू कर दिए, तो जो आपने शेयर फॉरफिट किया था वो आपका प्रॉफिट बन गया। क्या बन गया? प्रॉफिट। क्योंकि सोचो, आपने 2 रुपये सोहन से फॉरफिट कर लिए थे और 10 रुपये में राम को बेच दिया, तो 2 रुपये आपका फायदा हो गया भाई। 10 का माल आपने 12 में बेच दिया ना इनडायरेक्टली, बोलो। 10 का माल आपने 12 में बेचा, 2 रुपया तो अभी फिर से फायदा कमा लिया, तो वो 12 रुपये क्योंकि प्रीमियम, तो प्रीमियम में चला गया। और जो 2 आपने ऑलरेडी फॉरफिट कर रखा है वो भी तो आपका फायदा हो गया, तो ये फायदा बेटा आपका कैपिटल रिजर्व बन जाता है। तो इन दोनों केस में शेयर फॉरफिटर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो भी आपके फॉरफिट में पैसा पड़ा था वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कोई कष्ट है? नहीं। यहां तो बड़ा सिंपल है, यहां चेक करना, यहां क्या होगा? कहता है सर बैंक अकाउंट डेबिट, जो मैं डिस्काउंट दूंगा वो शेयर फॉरफिट डेबिट हो जाएगा 2 शेयर कैपिटल। ये तो हुआ रीइशू की एंट्री। सर इसमें दूसरी एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखना, दूसरी एंट्री होगी बेटे शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में पैसा कितना आएगा? तो ध्यान से सुनना बेटे, यदि मेरे पास फॉरफिट मैंने जब किया था शेयर फॉरफिट अकाउंट में, सपोज करो मेरे पास 2 रुपये है, कितने हैं? 2 रुपये। मैंने यहां 1 रुपये यूज कर लिया, तो बताओ कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर करूंगा? 1 रुपये। और यदि मैंने यहां सारा यूज कर लिया 2 रुपये, मैक्सिमम दे दिया डिस्काउंट, तो यहां फिर कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। बोलो, क्लियर है? यानी जब कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करोगे और डिस्काउंट का केस बनेगा, तो आपको चेक करना होगा कि शेयर फॉरफिट में कितना चला गया और कितना बच गया, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व है। ये तो हुआ यदि सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर आपने रीइशू कर दिए। तो अब बात करते हैं यदि पार्टली शेयर को आपने
रीशू किया तो क्या होगा, पार्टली फॉरफिटेड से रीशू किया तो क्या होगा, पार्टली के केस में भी बेटे बात तो तीन ही होगी, बात कितना होगा तीन, क्या क्या, या तो पार पे, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। एंट्री क्या होगा, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां अब जैसे मान लो मैंने 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, 800 रिशू किया, तो यहां हर जगह नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, 800। इसमें जितना पैसा मिला, जो कैपिटल का अमाउंट है, जो प्रीमियम का अमाउंट है, ये 800 से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहां इन केसेस में शेयर फॉरफिट यूज नहीं हुआ, तो शेयर फॉरफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा कितना, तो बेटे यहां ध्यान से देखना, अमाउंट कितना आपने फॉरफिट किया था टोटल शेयर का, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड यानी 1000 इंटू री इशू। मान लो मैंने 6000 रुपए फॉरफिट किया था 1000 शेयर पे, इशू कितना किया बोलो, 800, री इशू कितना किया 800। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान से, तो कितना आएगा बेटे, 80% है ना, ये 4800। ये जो सॉल्व करूंगा ना, ये सॉल्व होके यहां आएगा, यहां तक क्लियर है सर? जो 200 आपने अभी रीइशू नहीं किया, ये 1200 रुपए कहां जाएंगे? तो क्योंकि ये रीइशू नहीं हुआ, तो बेटे याद करो, बैलेंस शीट में जब शेयर कैपिटल के नीचे मैंने दिखाया था ना कि माइनस कॉल सीन एरियर एड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, वो याद आ रहा है? तो जब आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो वहां ऐड करते थे ना, तो बेटे ये वाला 1200 रुपए ऐड होता है, यानी वो फॉरफिटेड शेयर जो रीइशू नहीं हुए हैं, उनका नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट वहां जाके ऐड हो जाता है शेयर कैपिटल के हेड में, बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो ये 1200 वहां जाएगा और 4800 कहां चला गया, कैपिटल रिजर्व में। बोलो ना, क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट पे दिया, तो यहां क्योंकि आपने यूज किया शेयर फॉरफिट अकाउंट, तो शेयर फॉरफिटर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दूसरी, ये तो हुई पहली एंट्री सर, दूसरी एंट्री क्या पास करोगे, तो शेयर फॉरफिटर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आराम से देख लो, कोई कष्ट है? शेयर फॉरफिटर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है बेटे। अब सुनना, यहां जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा? तो कहता सर देखो, यहां का फॉर्मूला अलग है, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू रीइशू, ये सॉल्व करोगे, माइनस डिस्काउंट जो दिया यहां पे, ये घटने के बाद जो आएगा वो यहां ट्रांसफर होगा। मैं फिर से समझा रहा हूं सर, 6000 रुपये था, 1000 शेयर पे आपने 800 रीइशू किया, यहां पे डिस्काउंट 200 रुपये दिया है, सॉल्व करो कितना आएगा, 4800 माइनस 200 कितना आएगा बेटे, यहां 4600। आराम से देख लो, जो अमाउंट आपने फॉरफिट किया, टोटल नंबर ऑफ शेयर जितने पे फॉरफिट किया उससे डिवाइड करो, जितना रीइशू किया उसे मल्टीप्लाई करो, फिर जितना डिस्काउंट दिया वो माइनस करो, जो बचा वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। और फिर से बता रहा हूं बेटे कि जो 200 रुपये आपने फॉरफिट नहीं रीइशू नहीं किया, उसका पैसा शेयर कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। रीइशू खत्म। सर इस पे भी एक क्वेश्चन कराओ ना, ये लो जी, आराम से देखना,
क्यू लिमिटेड ने फॉरफिट किया 200 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट 5 पर शेयर प्रीमियम पेबल अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 पर शेयर नॉन पेमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम अप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 3 पर शेयर फॉरफिटेड शेयर्स पर रीइश्यूड फॉर आराम से सुनना बेटे क्या कर रहा है इसने 200 शेयर 10 रुपए का एक था जिसपे 5 रुपए का प्रीमियम था इसने क्या कर दिया बेटे फॉरफिट ठीक है अलॉटमेंट मनी 8 रुपए का नहीं मिला अप्लीकेशन का रेट 3 रुपए था और कहता है कि बाद में सारे शेयर फॉरफिट देखो ध्यान से द फॉरफिटेड शेयर मतलब ये पूरे के पूरे 200 शेयर क्या कर दिए गए रीइशू कितने में 2000 में फुली पेड 3 रुपए पर शेयर फुली पेड 10 रुपए पर शेयर फुली पेड और 12 रुपए पर शेयर फुली पेड आराम से देख लो ये 3 नहीं होगा ये 7 होगा ये मैं दिखाऊंगा कैसे 7 होगा समझना ध्यान से बोलो यहां तक कोई कष्ट है क्वेश्चन समझ में आ गया आओ पहले तो इसको फॉरफिट करते हैं अपन ध्यान से देखना फॉरफिट करते हैं बताओ शेयर कैपिटल डेबिट होगा 200 इंटू देखो ध्यान से अलॉटमेंट तक की बात कही थी तो अलॉटमेंट 8 का है जिसमें 5 प्रीमियम है और 3 और 3 6 रुपए का कॉल्डअप है तो 200 इंटू 6 कितना होगा बेटे 1200 सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 200 इंटू 5 1000 रुपये 2 शेयर फॉर फ्यूचर 200 इंटू क्या मिला सिर्फ 3 रुपये एप्लीकेशन का ही तो रेट मिला है 3 रुपये तो 6 रुपये क्या नहीं मिला तो जो नहीं मिला वो कॉल सीन टू कॉल सीन रामखोर क्या हो रहा है टू कॉल सीन एरियर बताओ कितना ये देखो कॉल सीनियर में कितना आएगा 200 इंटू 8 1600 रुपये ये हमने फॉरफिट कर लिया अब चेक करो हमारे फॉरफिट अकाउंट में कितने पैसे है बेटे 600 इसने रीइशू कैसे किया 2000 में फुली पेड तो बताओ 200 इंटू 10 2000 यानी ये पूरा पार पे इशू किया तो बैंक केस वन की बात कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 तो शेयर फॉरफिचर डेबिट कैपिटल रिजर्व में बताओ कितना आएगा भाई जितना फॉरफिट किया था 600 कोई कष्ट है यहां देखो इसका मिनिमम इशू प्राइस क्या होगा तो हमने फॉरफिट कितना किया 3 और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 तो मिनिमम इशू प्राइस क्या होगा 7 तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर डेबिट टू शेयर कैपिटल 7 रुपए मिल गए यानी कितना मिल गया 200 इंटू 7 1400 डिस्काउंट कितना दिया 600 यहां कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि सारा का सारा हमने क्या कर दिया यूज 10 रुपए में इशू किया कितने में इशू किया बेटे 10 रुपए में तो अगेन 200 इंटू 10 2000 होगा तो सारा का सारा यही वाली एंट्री मेन रिपीट हो जाएगी 12 पर इशू किया तो क्या होगा प्रीमियम पर इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ यहां कितना आएगा 200 इंटू 12 कितना आएगा बेटे 2400
यहां कितना आएगा 2000, यहां कितना आएगा 400, और शेयर फॉरफिट पे जितने पैसे थे वो सब के सब कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में, कितना 600। और मजे की बात, इससे ज्यादा इसमें कोई केस होता भी नहीं है। तो ये थे आपके री इशू के क्वेश्चन। कोई कष्ट है? नहीं सर। जिसका मुझे था इंतजार, सर प्रोराटा में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये बता दो। आराम से सुनना, प्रोराटा अप्लाई कब होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन में। कब अप्लाई होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन में। आराम से सुन लो एक एक बात, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया, एप्लीकेशन आया 15,000 का, बताओ इसको क्या बोलोगे? ओवर सब्सक्राइब। कहता है कि 15 को 10 अलॉट कर दिया, किस बेसिस पे? प्रोराटा पे। एप्लीकेशन का रेट रखा 2 रुपये, अलॉटमेंट का 3, फाइनल कॉल का 5। मिस्टर एम है, इनके पास 1,000 शेयर है, 1,000 शेयर अलॉटेड है, इन्होंने एप्लीकेशन दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं दिया, इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया। मिस्टर एन है, इन्होंने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, यहां नहीं दिया, तो इनके शेयर को भी यहां फॉरफिट कर लिया गया। क्लियर है? रीइशू बड़े आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ध्यान से देखना। इतनी सी बात है, कहता है कि सर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने का आया? 15,000 × 2, तो पहली एंट्री तो 15,000 × 2 कितना होगा बेटे? 30,000। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोलो कितने का? 30,000। एक्सेस जो पैसे मिले हैं वो कहां चले जाएंगे? शेयर अलॉटमेंट में। तो 10,000 ही तो हम अलॉट कर सकते हैं, तो 10,000 × 2, 20,000 एक्स्ट्रा, 10,000 कहां जाएगा? अलॉटमेंट में। अब सर अलॉटमेंट की जब एंट्री डालेंगे तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन 10,000 शेयर था इंटू 3, कितना आएगा बेटे? 30,000। लेकिन इस पे इन्होंने तो पैसा दिया ही नहीं मिस्टर एम ने, और इनको अलॉट कितने किए? 1,000। तो जरा गौर से देखना, जिस बंदे को 1,000 अलॉट हुआ होगा, ये इसी रेशियो में हुआ ना, 15 में 10, तो हर बंदे ने, देखो ध्यान से, ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर 5,000 शेयर एक्सेस है, तो हर 10 जिसको अलॉट हुआ होगा उन्होंने 5 एक्सेस दिया होगा। तो जिस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया उसने अलॉटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा भी तो दिया होगा। तो यदि आपने 1,000 × 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दिया तो बेटे यहां गलत हो जाएगा। यहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस बंदे ने अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया। तो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालोगे तभी तो पता चलेगा कि उसने कितना एक्सेस दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर का एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है बेटे? 15,000 डिवाइडेड बाई शेयर अलॉटेड इंटू अलॉटेड 1,000। तो एप्लीकेशन कितने का आया होगा? 1,500 शेयर का। किसका है बेटे? 1,500 शेयर का। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितने हैं, बोलो एक्सेस एप्लीकेशन कितने हैं? तो बेटा जी एक्सेस एप्लीकेशन है, इधर देखो, एक्सेस एप्लीकेशन है
1500 में आपको अलॉट कितना हुआ, 1000, तो एक्सेस कितने हैं, 500। तो इसका मतलब कि ये जो अलॉटमेंट में 10000 एक्स्ट्रा मिला है, इसमें एम का एक्सेस कितना छुपा हुआ है, यही निकालना है ना। तो लो जी, 500 × 2 1000 रुपये, और इनसे ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा जा रहा है, तो 1000 × 3 3000 रुपये इनसे मांगा गया, जिसमें से ऑलरेडी इन्होंने कितना दे दिया है, 1000, तो कितना नहीं दिया, 2000। ये होगा इनका कॉल्स इन एरियर। यदि आपको ये निकालने आ गया, ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया, तो फिर कोई कष्ट नहीं है, आपको प्रोराटा आता है, अदरवाइज फिर दिक्कत में रहोगे। बोलो, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बताओ कितना। यहां अलॉटमेंट पे पैसा देखो ध्यान से, 30000 मांगा था, ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 10, तो अब कितना मिलेगा, बोलो ना, 20, जिसमें से कितना नहीं मिला, 2, तो कितना मिला, 18। बोलो नलायको, बोलो, आ गया समझ में। चलो अब अगली बात, सर फाइनल कॉल में क्या होगा, क्योंकि फॉरफिट तो अभी किया नहीं, फिर शेयर फाइनल कॉल की डेबिट होगी एंट्री टू शेयर कैपिटल, क्योंकि किसी का फॉरफिट तो हुआ नहीं। यहां ध्यान से देखना, नंबर ऑफ शेयर 10 × फाइनल कॉल का रेट 5, तो 50000। बैंक डेबिट, कॉल से नीडेड डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बैंक डेबिट, कॉल से नीडेड डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, आराम से सुनना। अब फाइनल कॉल पे हमने टोटल कितना मांगा, 50000। नंबर ऑफ शेयर अपने पास कितने थे, देखो ध्यान से, यहां है अप्लाई अलॉटेड, यहां है अप्लाइड, तो पहले पता करो अलॉटेड कितना। तो इस केस में अलॉटेड कितना होगा, यहां फॉर्मूला देखो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो कितना आएगा, 2000। यानी आपको शेयर अलॉट कितने होते हुए हैं, 2000। अब ध्यान से सुनना, आपने अप्लाई बेशक 3000 का किया है, 1000 आपने एक्सेस दिया है, वो एक्सेस ही 10000 में इंक्लूड है, बट वो ऑटोमेटिक अलॉटमेंट में आके एडजस्ट हो चुका, और आपने फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो इस एक्सेस का हमें कोई अलग से कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा 2000 और 1000 इसका, देखो ध्यान से, 1000 इसका अलॉटमेंट में तो एक्सेस एडजस्ट हो गया, अब तो 1000 और 2000 टोटल कितना हो बेटे, 3000, 3000 × 5 डायरेक्ट 15000 का हमारा क्या बन जाएगा, कॉल सीनेरियर, और हमें रिसीव कितना हो गया, 3500। अब हमें प्रॉफिट करना है, क्या करना बेटे, तो शेयर कैपिटल, क्योंकि सारा पैसा हमने मांग लिया, नंबर ऑफ शेयर 3000 थे, इंटू 10, 30000, टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल सीन एरियर, कोई कष्ट है, टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल सीन एरियर। अब बताओ फॉरफिट कितना किया, फॉरफिट कितना किया, ये ध्यान देना है। तो जो मिस्टर एम है, इनसे टोटल पैसे देखो कितना मिला है, इन्होंने 1500 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था इंटू 2, यानी टोटल कितना दिया था, 3000, और इन्होंने कितना दिया था, 3000 × इन्होंने कितना दिया है, 2000 अलॉट किया है, और इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, यानी 2000 × 5, तो इन्होंने कितना दिया, 10, इन्होंने कितना दिया, 3, तो टोटल कितना हुआ, 13, और आपका एरियर कितना हुआ, ये भी देखो, 2000 पे यहां और 15000 यहां, टोटल कितना हुआ, 17, बोलो चेक कर लो, 13 मिल गया, 17 नहीं मिला, तो इसका मतलब ये कॉल सीनेरियर है, ये सिर्फ फॉरफिट हो गया, दोनों को टोटल करके देख लो, 30000। तो प्रो राटा की कैलकुलेशंस बेटे ऐसे होती हैं। अब इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस कर लेना। प्रीमियम के केस में क्या होगा कि एक प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, दूसरा रिसीव नहीं होगा, तो जो रिसीव हुआ प्रॉफिट करते वक्त रिसीव का ध्यान देखना है और ऐसे देखना है। इसमें एक वैरायटी क्वेश्चंस का और आता है, थोड़ा सा ये भी समझा देता हूं, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर 1000 है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, यदि ये यहीं पर फॉरफिट हो जाता
तो अलॉटमेंट की कॉल सीनियर वाली एंट्री आती, ये देखो यहां तक आती, इसके बाद शेयर फॉरफिट होता, और शेयर फॉरफिट होता तो ये यहां ये अज्यूम करके चलोगे कि अभी मांगा ही नहीं, और जब ये मांगते फॉरफिट के बाद जब ये इसकी एंट्री आती फाइनल कॉल की, किसकी फाइनल कॉल की, तो बेटे इस केस में इस फाइनल कॉल की एंट्री जब पास करते तो ध्यान से देखना यहां और यहां में क्या अंतर होता। यहां जब आप फाइनल कॉल की एंट्री मांगते हैं तो देखो ध्यान से, यहां 10,000 में से वो शेयर 1,000 जो आपने फॉरफिट कर लिया वो माइनस कर लेते तब मांगते, तब वहां से एरर आता, तब इस तरह की बातें करते। क्लियर है, कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन और होता है। सर दो लोगों का शेयर फॉरफिट हुआ, एक्स और वाई का, एक्स का पूरा शेयर रीइशू हो गया और वाई का पार्शली हुआ, इस केस में क्या होगा? तो ध्यान से देखना, पहले एक्स और वाई लिखो, इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना फॉरफिट हुआ वो लिखो, मान लो 1,000 और 800, इतने शेयर फॉरफिट हुआ। अमाउंट कितना फॉरफिट किए, सर इनका 6,000, इनका 4,000। कहता रीइशू कितना किया, कहता देखो सर एक्स का हमने 600 किया है, यानी यहां पार्शली किया है, और इसका पूरा किया है 800, यानी टोटल शेयर इशू हुआ 1,400, जिसमें से 800 पूरा वाई का है और इसका 1,000 में से 600 ही किया है। तो भाई इसका तो पूरा किया, तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो बेटे, पूरा 4,000, और इसमें तो आपको निकालना पड़ेगा 6,000 डिवाइड बाई 1,000 इंटू 600 कितना आएगा, 60%, 3,600। तो टोटल आपकी मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी बनी, 7,600। इसमें से जब आपने ये 1400 शेयर, 600 और 800, ये 1400 शेयर जब रीइशू किया था तो उस पे आपने कितना डिस्काउंट दिया था, वो शेयर फॉरफिटेड में से घटा लो जो आपने डिस्काउंट दिया था। मान लो आपने 5,000 डिस्काउंट दिया था, तो जो बच गया 2,600 ये कैपिटलिज्म में जाएगा। और अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, इसमें जो बचा है 2,400 रुपये, ये 2,400 रुपये बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में एड हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड के नाम से। इससे ज्यादा इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पार प्रीमियम यही उल्टा सीधा करके प्रोराटा का, ओवर सब्सक्रिप्शन का, कभी रिजेक्ट एक्सेप्ट, कभी प्रोराटा, कभी दोनों तीनों को मिक्स कर करके ये क्वेश्चन देता रहेगा। ऑल द बेस्ट बेटे, अच्छे से समझना, और यदि कोई फिर भी डाउट हो, कोई मन में क्लेश हो, तो बेटे ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट।